हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक का। इस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आज हम लोग बस इसके कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा टॉपिक के अंदर का, बट इसके कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है आगे के टॉपिक्स के लिए। और आज हम लोग ये जानेंगे कि ये चैप्टर एक्चुअली में है कि किस टॉपिक पे है, राइट एक्चुअली। लेकिन मैं आप सभी से और एक चीज़ चाहता हूँ कि मैंने आप सभी को फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये जो एक चैप्टर है जो जिसके बारे में मैंने आप सभी के पास शेयर किया था, क्या डिमांड एंड सप्लाई है, ये सारी चीज़ें बच्चों ये क्या करना है आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं आपको इस चैप्टर में जो हम लोग करने वाले हैं ना, यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे डिवेल्युएशन क्या है, तो ये सारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको यहाँ पे मिलने वाली है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, ये वाली लेक्चर्स भी देख लेना, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाली चैप्टर है और एक दूसरी वाली है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली चैप्टर। ये दो चैप्टर देख लोगे ना, इजिली आपसे क्या हो जाएगा, इजिली आपसे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और इकोनॉमिक पॉलिसी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको इजिली वहाँ से सारी लेक्चर्स मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हमें किस टॉपिक में पढ़ना है। देखो मैं यहाँ पे 1991 लिख रहा हूँ, ठीक है। इस साल को आप क्या करो, बेस मान लो। अब देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का है, 1991 का मतलब है इतना, इकोनॉमिक से लेकर इतना मतलब है बिफोर 1991, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का मतलब है 1991 के पहले। तो बिफोर 1991 के मतलब है पहले, 1991 के पहले, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का मतलब होता है 1991 से पहले। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब होता है 1991 के बाद, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब बच्चों 1991 के बाद। तो 1991 क्या एक बेस है, 1991 के पहले हम लोग पढ़ने वाले क्या गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज करते थे, कैसी चीज़ों को फॉलो करते थे, और एक टॉपिक पढ़ेंगे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि 1991 के बाद गवर्नमेंट ने कौन सी नई पॉलिसी लाई, क्या लाई, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 1991 के पहले क्या होता था, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी फॉलो किया करती थी, और 1991 के बाद गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया करती थी, हमें इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो बोथ चैप्टर का मतलब है इतने, इसका मतलब 1991 के पहले, इसका मतलब 1991 के बाद, ठीक है। देखो बच्चों पहले ना 1991 के पहले ना बच्चों गवर्नमेंट ना एलक्यूपी पॉलिसी को फॉलो करती थी, ठीक है। और 1991 के बाद ना गवर्नमेंट क्या करती थी, एनईपी पॉलिसी को फॉलो करती थी। ये एक्चुअली में ना एनईपी पॉलिसी क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे, लेकिन पहले अभी एलक्यूपी की पॉलिसी के बारे में जानते हैं। देखो एल का मतलब है लाइसेंस, क्यू का मतलब है कोटा, पी का मतलब है परमिट्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना जो गवर्नमेंट ने 1991 के बाद लाया, इसमें ना बच्चों इस पॉलिसी में ना तीन चीज़ें आती हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सारी चीज़ें है क्या, इसको जानते हैं। देखो 1991 के पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, लाइसेंस कोटास और परमिट्स इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वाली पॉलिसी को फॉलो करती थी। यहाँ पे लाइसेंस वाली इसमें होता क्या था, जो भी बच्चों प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी है, जो भी प्राइवेट सेक्टर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट उनको कहती थी कि अगर तुम्हें चालू करना है ना अपना बिजनेस को, प्राइवेट सेक्टर्स को कहती थी अगर तुम्हें अपना बिजनेस या कंपनी अपनी चालू करना है तो तुम्हें तो हमें सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट बच्चों लाइसेंस ना उस समय 1991 के पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, प्राइवेट सेक्टर्स को लाइसेंस इतना ईजिली नहीं देती थी, पता है उनको बहुत कठिनाइयों से जाना पड़ता था प्राइवेट सेक्टर को, तब जाके उन्हें लाइसेंस मिलता था, ठीक है। तो एक चीज़ मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, देखो 1991 के पहले क्या होता था बच्चों, गवर्नमेंट ना वो जलती थी प्राइवेट सेक्टर से, जैसे आप सब भी जलते होंगे किसी से या कोई आपसे जलता होगा, है ना, वैसी सेम चीज़ गवर्नमेंट भी क्या करती थी, प्राइवेट सेक्टर से जलती थी 1991 के पहले, ठीक है। गवर्नमेंट को ये लगता था कि वो जो प्राइवेट सेक्टर है ना, गवर्नमेंट सेक्टर को ये लगता था, गवर्नमेंट कह लो या पब्लिक सेक्टर को, कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ये मेंटिलिटी थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, कहीं ना कहीं उन्हें जेलिसी थी प्राइवेट सेक्टर से, आप ये भी समझ सकते हो। अब सेकेंड बच्चों, सेकेंड क्यू का मतलब है कोटास। यहाँ पे क्या होता है,
गवर्नमेंट को मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि पब्लिक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या हो जाए, बढ़ जाए, और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये गवर्नमेंट का एक्चुअली में मोटिव था, रोल था, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती थी कि रोल पब्लिक सेक्टर का बन जाए, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या हो जाए, बढ़ जाए, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन बच्चों इसे होने क्या लगा, इससे ना बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा, इनएफिशियंसी आने लगी, टेक्नोलॉजी कम होने लगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो होता क्या है। देखो अगर ना, अगर पूरी कंट्री अगर गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी ना, तो बच्चों वहाँ पे क्या हो जाएगी, करप्शन आ जाएगी। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आप देख लेना कि जितने भी गवर्नमेंट वर्कर्स है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं बच्चों, करप्शन करते हैं, ठीक है। जो पैसा गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए करती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वर्कर्स क्या करते हैं, सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो पैसा देती है उस पैसे को वो अपने ऊपर खर्चा करते हैं, ना कि गवर्नमेंट ने जिस पर्पज़ के उन्हें पैसा दिया उसमें यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। मतलब मान लो मे बी गवर्नमेंट ने दिया होगा कि पेंटिंग के लिए पैसा दिया होगा, तो क्या करते हैं कोई कोई गवर्नमेंट वर्कर्स, वो क्या करते हैं उस दीवार को क्या पता है क्या करेंगे, बहुत मतलब मान लो कि गवर्नमेंट ने उन्हें दिया होगा एकदम अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी क्वालिटी पेंट के लिए उन्हें पैसा दिया होगा, तो पता है गवर्नमेंट वर्कर्स कुछ कुछ क्या करते हैं, वो क्या कर देंगे, पुरानी क्वालिटी का पेंट लगा देंगे और अच्छी क्वालिटी का जो भी पैसा बचेगा ना खुद खा लेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों करप्शन भी होता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर को पावर दोगे। इनएफिशिएंसी, देखो इनएफिशिएंसी का मतलब ये है कि देखो आप भी अगर गवर्नमेंट वर्कर्स को देखोगे, वो क्या रहते हैं, एकदम रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि पता है वो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, राइट। तो उन्हें क्या है कि उन्हें निकालने, कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट वर्कर्स को उनकी जॉब से कोई भी निकालने वाला नहीं है, तो वो एकदम रिलैक्स बैठे रहते हैं। तो रिलैक्स बैठे रहते हैं ना, तो अपना काम अच्छे से नहीं करते, तो कहीं ना कहीं बच्चों इससे ना कंट्री को बहुत भारी पड़ जाता है, तो कंट्री में क्या आ जाती है, इनएफिशिएंसी आ जाती है। लेकिन बस गवर्नमेंट वर्कर्स को आप देखोगे ना, तो उन्हें बस गवर्नमेंट, जैसे इलेक्शन के समय हो गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्शन के समय बस गवर्नमेंट वर्कर्स को कहती है कि भाई तुम्हें आना ही आना, नहीं तो अदरवाइज बाकी पूरे साल भर या कुछ स्पेशल बाकी पूरे साल भर वो क्या रहते हैं, एक्चुअली में फ्री रहते हैं, ठीक है, आराम से काम करते हैं, जिसके कारण पूरी कंट्री में क्या हो जाता है, उन्हें मतलब पूरी कंट्री में इनएफिशिएंसी आ जाती है। टेक्नोलॉजी, हाँ, अगर आप पब्लिक को ही पावर दोगे और प्राइवेट को पावर कम दोगे ना, इससे क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में कोई असर नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी नहीं। अब कैसे, देखो मान लो अगर कोई भी कंट्री में, मान लो कि जैसे मान लो ये फ्लिपकार्ट है, राइट, ये फ्लिपकार्ट है, ये अमेजन है, ये मान लो ये अलीबाबा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात एकदम ध्यान से समझना, देखो मान लो कि अगर आपने प्राइवेट सेक्टर का भी रोल क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर का भी रोल आपने बढ़ा दिया, तो इससे ना बहुत फ़ायदा होगा। देखो क्या फ़ायदा, देखो मान लो ये अमेजन वाला है, ठीक है, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, ये तीनों का काम क्या है, प्रोड्यूसर से सामान लेना और कस्टमर्स को सामान बेचना, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, ये इनका काम है। अब मान लो कि ये अलीबाबा ने, मतलब मान लो ये अलीबाबा, ये एक चाइना की कंपनी है, अमेजन यूएसए की कंपनी है, फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी है, ठीक है। जैसे ही चाइना की कंपनी अलीबाबा, जैसे ही पता चल जाएगा, मतलब अलीबाबा ने मे बी मान लो कि उन्होंने क्या कर दिया, अपनी 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 कंपनी के लिए क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी मतलब अच्छी सी मशीन ला ली अपनी कंपनी के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, अमेजन को पता चल जाएगा, अमेजन को पता चल जाएगा, अरे भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर है ना अलीबाबा, इसने अच्छी सी मशीन लाई, तो क्या होगा, अमेजन वाला भी अच्छी मशीन लाएगा, इसका देख के फ्लिपकार्ट वाला भी लाएगा। मान लो वैसे ही अमेजन ने कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी ला ली, तो वैसे ही अलीबाबा को पता चल जाएगा, वैसे फ्लिपकार्ट को भी पता चल जाएगा कि भाई अमेजन ने ऐसी वाली टेक्नोलॉजी लाई, हमें भी टेक्नोलॉजी अपनी कंपनी में लाना है। तो क्या रहता है बच्चों, आपस में ये क्या करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। आखिर में ये सब आपस में क्या कहते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, ये चाहते नहीं है कि हमारे सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो आगे जाए, ठीक है। तो उन्हें जैसे ही पता चलता है हमारा कॉम्पिटिटर आगे जाता है, तो ये भी आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पब्लिक सेक्टर को भी, पब्लिक सेक्टर का भी रोल बढ़ाओगे, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बढ़ाओगे। अब देखो इससे वो क्या जाएगा, मान लो कि गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी, अब जैसे ही गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि भाई प्राइवेट सेक्टर, ये जितनी भी कंपनीज है ना बच्चों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी ये क्या है, प्राइवेट कंपनीज है। अब वैसे ही गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर्स तो सारे आगे बढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट को जैसे ही पता चल जाएगा कि भाई अगर इन लोग को अगर हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, तो इन लोग तो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज को बंद कर देंगे, तो गवर्नमेंट कंपनीज भी क्या करती है, इनको इनसे प्राइवेट सेक्टर से क्या करती है, जलती है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, सोचती है कि यार मुझे भी टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों क्या करती है, गवर्नमेंट भी अच्छी टेक्नोलॉजी को लाती है। तो जैसी, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पब्लिक सेक्टर को रोल भी बढ़ाओगे, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बढ़ाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों,
गवर्नमेंट क्या करती थी 1991 के पहले, क्या करती थी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बढ़ाती थी पावर और प्राइवेट का कोई रोल कराती नहीं थी। तो अब जब प्राइवेट का ही रोल नहीं होता तो इन लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को देखते भी नहीं है। जितनी भी कंपनीज रहती है वो क्या करती है, आपस में एक दूसरे को देखती नहीं है। अब गवर्नमेंट सोचती है, अरे यार हमारा तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। अब जैसे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट भी आराम से बैठी रहती है। तो इसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, मैंने अभी कहा इनएफिशियंसी आ जाती है, ठीक है। तो यही एक वजह है कि जब आप पब्लिक सेक्टर को पावर दोगे ना और प्राइवेट सेक्टर को पावर नहीं दोगे तो ये सारी सिचुएशन आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बेकार सिस्टम था जो इंडिया करती थी फॉलो 1991 से पहले। अब थर्ड है हमारे पास परमिट्स इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब क्या होता था, परमिट्स इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बच्चों, ये क्या, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आपने मेरी पुरानी वाली जितनी भी चैप्टर से अगर वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बच्चों इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या रहता है, इंडिया इंडिया क्या करता था 1991 के पहले, वो क्या करता था, जितनी भी इंडिया की कंपनीज है उनको क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था बाहर की कंट्री से। अब आप मुझे एक लॉजिक चीज बताओ, अगर आप घर में बैठे रहोगे, ठीक है, अगर आप घर में बैठे रहोगे ना तो आपको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप अगर घर में बैठे रहोगे ना तो आप सोचोगे यार मैं ही एक, अगर आप सिर्फ घर में बैठे रहोगे तो आप यही सोचोगे कि यार सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे ऊपर और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपकी मेंटेलिटी ऐसी होगी। लेकिन जैसे आप घर के बाहर निकलोगे, बाहर की दुनिया देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा नहीं भाई, बाहर की दुनिया तो मुझसे भी आगे है करके, मुझे भी उनके जैसा बनना है, ठीक है। तो सेम चीज, यही प्रॉब्लम थी बच्चों। क्या होता था 1991 के पहले, गवर्नमेंट क्या करती थी, इंडिया की इंडस्ट्री को क्या करती थी, घर में बैठे रह, मतलब इंडिया के अंदर ही रखती थी, बाहर की कंट्री से ना प्रोटेक्ट करती थी। तो इंडिया वाले लोगों को लगता था, इंडिया की कंपनीज को लगता था कि भाई हम ही आगे हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा था बच्चों, इंडिया वाली कंपनी क्या कर रही थी बच्चों, टेक्नोलॉजी में आगे जा ही नहीं पा रही थी। देखो मान लो कि अगर हम, गवर्नमेंट क्या करती 1991 में, अगर क्या करती कि इंडिया की कंपनीज को बोलती कि भाई तुम लोग चले जाओ बाहर की कंट्री में और बाहर की कंट्री की कंपनीज को देखो कैसे काम करें, तो इंडिया वालों को पता चलेगा नहीं भाई बाहर की कंपनीज जो है वो हमसे भी आगे है, उनके पास हमसे भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो क्या होगा, इंडिया वाले भी अपनी कंपनीज को क्या करेंगे, वैसी वाली टेक्नोलॉजी अपनी कंपनीज में लाएंगे और क्या करेंगे, बाहर की कंट्रीज के साथ इक्वल स्टेटस बनाने की क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं था 1991 से पहले। क्या करती थी गवर्नमेंट, हमेशा चाहती थी कि वो इंडिया की कंपनीज को प्रोटेक्ट करे। अब वो प्रोटेक्ट करती थी तो बाहर की, इंडिया की कंपनी बाहर की कंट्री में जा ही नहीं पाती थी। अब जा नहीं पाती थी तो उन्हें पता ही नहीं चलता था बाहर की टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। तो बस इंडिया वाले सोचते थे कि भाई हम ही ऊपर है, लेकिन ऐसा गलत था, ठीक है। और ये एक्चुअल में गलत भी साबित हुआ, ठीक है। तो बच्चों 1991 के पहले ना बच्चों ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे पास, ठीक है। तो ये है बेसिकली चैप्टर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अब देखो 1991 में गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही है। तो गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये तो हमारी इंडिया के लिए बहुत बेकार बात होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक नई पॉलिसी निकाली, ठीक है, नई पॉलिसी निकाली। इस पॉलिसी का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, जो एक्चुअली में क्या हुआ था, जुलाई में आया था 1991 में, ठीक है। 1991 में जुलाई के समय आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये सारी प्रॉब्लम्स को वो खत्म कर दे एक नई पॉलिसी को लाकर, ठीक है। अब ये नई पॉलिसी मैं बताता हूँ, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, ये बच्चों तीन इसमें डिवाइड है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब ये क्या होगा बच्चों, ये लाइसेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया, एक लिबरलाइजेशन सिस्टम बनाया गया। यहाँ पे क्या होता था, अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो भी प्राइवेट कंपनीज है ना, अब उनको अगर स्टार्ट करना है तो उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो गया बच्चों, एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। अब वैसे ही जैसे कोटा सिस्टम था, जहां पे गवर्नमेंट क्या चाहती थी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर की पावर बढ़ाए, प्राइवेट सेक्टर की पावर को घटा दे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला यार इस कोटा वाली पॉलिसी को हटाओ, इसके जगह एक नई पॉलिसी को लाओ जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, रोल बढ़, इसमें क्या, इंडिया की गवर्नमेंट चाहती थी कि रोल बढ़ा दो पब्लिक सेक्टर का भी, प्राइवेट सेक्टर का भी, जिससे क्या हो जाएगा, करप्शन कई हद तक कम हो जाएगा, इनएफिशिएंसी जो है कंट्री में वो भी कम हो जाएगी, और टेक्नोलॉजी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एग्जांपल देखे कि जब तीन कंपनीज एक साथ रहेगी तो वो क्या करेगी, आपस में एक दूसरे से जलेगी और आपस में क्या करेगी, एक दूसरे के आगे जाने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं हर कंपनीज क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। तो जिससे क्या हो जाएगा, बहुत हद तक बच्चों प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कोटा सिस्टम को चेंज करके प्राइवेटाइजेशन सिस्टम लाया, ठीक है। अब परमिट्स इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, अभी मैंने बताया कि क्या करती थी इंडिया की गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट करती थी बाहर की कंट्री से, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज को। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में क्या होता था बच्चों, इंडिया ने बोला
कि नहीं भाई अब तो क्या होगा, बाहर की जितनी भी कंट्रीज है वो भी क्या करेगी, इंडिया में आके अपना काम को कर सकती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो मारुति सुजुकी है ना, तो बच्चों पहले तो सिर्फ मारुति हुआ करती थी, सुजुकी तो बच्चों 1991 के बाद होने लगी। अब ये क्यों होने लगी, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पॉलिसी आई ना तो गवर्नमेंट ने बोला कि बाहर की कंट्री भी इंडिया में आ सकती है। अब देखो मारुति को ये चीज पता चल गई कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हो गया, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, बाहर की कंट्री भी इंडिया में आने लगी। तो मारुति सुजुकी ना पता है बहुत घबरा गई, पहले तो सिर्फ मारुति हुआ करती थी, तो मारुति कंपनी ना सिर्फ घबरा गई, उन्हें लगा कि अरे भाई फोर्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, आपको पता है ना फोर्ड टॉप 10 ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में आती है, ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएगी और जैसे फिएट भी आ जाएगी, तो ये तो एक तरीके से ना मारुति को बहुत डर लगने लग गया, और मारुति को लग रहा था अरे भाई इतनी बाहर की कंट्रीज आने लग गई तो फिर हमारा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मारुति सुजुकी ने क्या किया बच्चों, सुजुकी के साथ जापान की जो कंपनी है सुजुकी, उनके साथ हाथ मिला दिया, तब जाके ये क्या हो गया, मारुति सुजुकी का नाम बन गया। ठीक है, तो मारुति सुजुकी क्या करने लगे, एक साथ काम करने लगे, एक साथ काम करने लगे, तो आज मारुति सुजुकी जो भी कंपनी है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इक्वल स्टेटस में है, एक्चुअल में है भी नहीं लेकिन हाँ कहीं हद तक एक तरीके से बेकार कंडीशन में नहीं कह सकते, बहुत अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है बच्चों। तो जब तक मैंने अभी आपको बताया, जब तक मारुति क्या थी, इंडिया में थी, अपने घर पे थी, तब तक उसको कुछ पता नहीं था, जैसे उसे पता चल गया कि भाई बाहर की कंट्री आ रही है, हम पे भारी पड़ रहा है, ठीक है, मारुति को पता चला इनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा है, तो इसने क्या किया, इमीडिएटली सुजुकी के साथ हाथ मिला दिया, तो दोनों ने मिलकर बाकी कंपनी के साथ इक्वल स्टेटस बनाने की कोशिश कर दी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन बच्चों ये है, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, आप हर कंट्रीज को अलाउ कर देती है आपकी कंट्री में आए, और आप अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज को अलाउ कर देते हैं कि आप बाहर की कंट्री में जा सकते हो, ठीक है, अपना बिजनेस को चालू करने के लिए। तो बच्चों ये था बच्चों 1991 की पॉलिसी, जो कि चेंज होकर बन गई 1991 की बाद की पॉलिसी, जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बच्चों लिबरलाइजेशन आता है, प्राइवेटाइजेशन आता है, ग्लोबलाइजेशन आता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर एक्चुअल में है क्या। तो ये जो आप देख रहे हो ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये एक्चुअल में इसका एक बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ये तो बस मैंने आपको थोड़ा चैप्टर समझाने के लिए बताया कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हमें करना क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें यही करना है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी कैसे बनाई और कैसे वो आखिर 1991 के बाद जाके चेंज कर दी। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आगे वाली जितनी भी बच्चों लेक्चर होगी ना, तो उस लेक्चर में हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और ये जितनी भी पॉलिसीज है इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, इसके बाद वाली पॉलिसी के बारे में हम लोग और डीप में जानेंगे लेकिन आगे वाली लेक्चर्स में। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की नीड क्या है, ठीक है, जरूरतें क्या है। एक्चुअली मैंने आपको बता दिया कि करप्शन वप्शन कम करने के लिए, लेकिन इसके बारे में और थोड़ा डीप में जानते हैं हम, तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को गवर्नमेंट की नीड क्या पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले इसका मतलब जानो, फिस्कल डेफिसिट क्या मतलब होता है, बोरिंग्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कितना कोई भी कंट्री से उधार मांगती है, उसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, या फिर कर दो माइनस एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, या फिर ऐसे हम और एक चीज़ बोल सकते हैं, जब एक्सपेंडिचर बड़ा होता है रेवेन्यू से तब हम कहते हैं उसे फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो बच्चों होने क्या लगा, हम ना बाहर की कंट्री से बहुत ज़्यादा, इंडिया क्या करने लगी, बाहर की कंट्री से ना बहुत ज़्यादा बोरो करने लगी, उधारी मांगने लगी, तो इससे क्या हो गया, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन का बढ़ना का मतलब है महंगाई बढ़ गई। अब बच्चों जैसी महंगाई मिल गई ना, तो हमें ना रॉ मटेरियल्स भी बहुत महंगे पड़ने लगे। ठीक है, अब जैसे ही रॉ मटेरियल महंगे पड़ने लगे ना, तो क्या हो गया, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ऐसे भी सिटीजन थे जो करना चाहते थे प्रोडक्शन, लेकिन उन्हें पता चल गया यार बहुत महंगाई है, महंगाई है तो इनपुट जो है, रॉ मटेरियल जो है, वो भी हमें महंगा पड़ेगा, तो बेचारे लोग के पास पैसा नहीं होता था, जिसके कारण वो क्या कर पाते थे, प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। तो हमारी कंट्री क्या करने लगी, डेट ट्रैप में फंसने लगी। ठीक है, मतलब डेट ट्रैप का मतलब है बच्चों कर्जों में फंसने लगी। ठीक है, तो इसकी यही ये भी एक वजह थी जिसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई 1991 के बाद। सेकेंड पॉइंट है बच्चों हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी डेफिसिट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था ना, वहाँ पे हमारे करंट अकाउंट में क्या हो रहा था, नेगेटिव बैलेंस आ रहा था। अब देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखो
मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में बता दिया है, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको सब सारी चीज़ें बता दी थी। बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट क्या होता है, देखो करंट ऑफ अकाउंट में एक नेगेटिव बैलेंस भी आता है, पॉजिटिव भी बैलेंस आता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, देखना है। तो बच्चों ये एक इतना बड़ा टॉपिक था जिसमें मेरे को 40 मिनट्स लग गए थे इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते, तो आप वहाँ से देख लेना। लेकिन क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा तो अभी पॉसिबल नहीं है वही सारी चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, अनफेवरेबल आ रहा था, जो इंडिया के लिए बहुत बेकार बात थी, ठीक है। तो होने क्या लग गया था, तो इसलिए गवर्नमेंट नेगेटिव बैलेंस आ रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ला ली। अब है हमारे पास गल्फ क्राइसिस। देखो 1991 के पहले, 1991 के पहले ना इंडिया को बच्चों सबसे ज़्यादा ना पैसा, सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता था ना वो गल्फ कंट्री से मिला करता था। इंडिया को 1991 के पहले सबसे ज़्यादा पैसा गल्फ कंट्री से मिला करता था। अब गल्फ कंट्रीज में से जैसे कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई हो गई, कतार हो गई, ठीक है, बहरीन हो गई, तो ये सारी कंट्रीज़ क्या आती है बच्चों, गल्फ कंट्री को, मतलब ये सारी कंट्रीज जो है ये गल्फ कंट्रीज़ के अंदर आती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया को गल्फ कंट्री से पहले मिलता था। लेकिन क्या हो गया, 1991 में क्या हो गया था बच्चों, इराक और ईरान में क्या हो गया था, वॉर हो गया था, ठीक है, इराक और ईरान में क्या हो गया था, वॉर हो गया। अब क्या होने लग गया, गल्फ कंट्रीज़ को इससे बहुत ज़्यादा घाटा होने लग गया। गल्फ कंट्रीज़ ने इराक और ईरान को बोला कि भाई तुम लोग वॉर को रोक दो, अगर तुम लोग वॉर को कंटिन्यू करोगे तो इससे हम सभी कंट्रीज़ को भी घाटा होगा, ठीक है, पैसों से भी घाटा होगा, फिजिकली भी घाटा होगा हम सभी को, ठीक है। लेकिन इराक और ईरान ने इनकी बातों को इग्नोर कर दिया और वो पूरा वॉर करते रह गए। अब जैसे करते रह गए ना, तो ये सारी गल्फ कंट्रीज को क्या हो गया, पैसे की कमी होने लगी। अब बच्चों इंडिया जैसी कंट्रीज जिनको सबसे ज़्यादा पैसा गल्फ कंट्रीज से मिला करता था, इनके पास या पैसों की कमी होने लग गई इनकी वॉर के कारण, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास भी पैसा आना थोड़ा बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये भी एक वजह थी जिसके कारण गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ला दी। फिर फोर्थ पॉइंट है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बच्चों देखो, जैसे ना आप सभी के पास ना ज्वेलरी होती है, ठीक है, आप सभी के पास क्या होती है, ज्वेलरीज होती है। अब क्या होता है, कभी कभी जब भी आपके पास पैसे की कमी हो जाती है ना, तो आप क्या कर लेते हो, अपनी ज्वेलरीज को ना क्या कर देते हो, गिरवी रख देते हो, है ना। तो बच्चों ऐसे ही जैसे आपके पास ज्वेलरी रहती है ना, तो वैसे ही हर कंट्रीज के पास क्या रहती है, गोल्ड रिजर्व होता है। तो जैसे ही ना इंडिया के पास ना बच्चों पैसे की कमी हो गई ना, तो इंडिया की ऐसी कंडीशन आ गई थी कि इंडिया को अपना ज्वेलरी मतलब गोल्ड रिजर्व क्या करना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, कि अपना वो क्या कर ले, जो भी डेट है उसको पे करने के लिए क्या करना पड़ा, इंडिया को अपना गोल्ड रिजर्व क्या करना पड़ा, वर्ल्ड बैंक के साथ गिरवी रखना पड़ा, जो कि बहुत बेकार बात है। अगर आप जो अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखोगे ना, तो वो बहुत बेकार बात होगी, मतलब वो ये दिखाएगी कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है। वैसे ही सेम सिचुएशन क्या हुआ, इंडिया के साथ हुआ, तो इंडिया को मॉर्गेज करना पड़ा क्या, गोल्ड रिजर्व वर्ल्ड बैंक के साथ, कि वो अपना जो भी कर्ज है उसको पे कर पाए। अब है इसी, ये भी एक वजह थी जिसके कारण हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें लाना पड़ा। और एक आखिरी वजह है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है, या फिर पीएसयू का मतलब होता है बच्चों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब बच्चों होने क्या लगा, बच्चों इसे होने क्या लगा, देखो आपको अभी मैंने बताया था कि जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, अगर मैंने आपको बताया था 1991 के पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, सबसे ज़्यादा रोल पब्लिक को देती थी, प्राइवेट को देती थी, जिसके कारण करप्शन, इनएफिशिएंसी और क्या हो गई, टेक्नोलॉजी में भी क्या हो गई, घाटे आने लगे। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार इसके कारण तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, करप्शन ऑप्शन बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई पॉलिसी ला दी जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो यही एक वजह थी इसके कारण भी कि पब्लिक सेक्टर का जो भी मतलब परफॉर्मेंस है वो पुअर आ रहा था, जिसके कारण भी क्या हुआ, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करना पड़ा। तो बेसिकली इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, पॉलिसी पहले क्या होती थी, बाद में क्या हो गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरतें क्या पड़ी। तो ज़रूरतें बच्चों यहाँ है, तो होपफुली इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है, इसको आप क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो पॉज करके, और ये भी सारी चीज़ें, बस इतना है। अगली लेक्चर्स में हम सभी और आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगली लेक्चर्स में हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ बच्चों, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में, जो कि एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इसकी भी पिछली वाली लेक्चर्स हो गई थी, और सारी लेक्चर्स आपको पार्ट बाय पार्ट प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक
मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप सारी चैप्टर्स को आराम से और इजीली देख सकते हो। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम लोग लिबरलाइजेशन का जो अच्छा टॉपिक है, बड़ा है थोड़ा सा, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में लिबरलाइजेशन का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपको माइनर टर्म्स में बताऊं तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता ये था, कंपनीज को क्या होता था, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी स्टार्ट करने के लिए 1991 के पहले, मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज होती थी, ठीक है, उन्हें क्या पड़ती थी, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी अगर उन्हें अपना बिजनेस को स्टार्ट करना। लेकिन क्या हो गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई, मतलब जहां पे आपको प्राइवेट, अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर को स्टार्ट करना है तो उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होता था बच्चों, लिबरलाइजेशन का मतलब अगर मैं आपको मीनिंग से समझाऊं तो लिबरलाइजेशन का मतलब यह है कि, या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी है जहां पे हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन एंड गवर्नमेंट कंट्रोल जो बिजनेस में लगता है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है बच्चों, गवर्नमेंट क्या करती थी बिजनेस पे, क्या करती थी, मतलब गवर्नमेंट क्या करती थी लिबरलाइजेशन में, बिजनेस जो भी बिजनेस हुआ करते थे उनमें ना बच्चों बहुत सारे फालतू के रिस्ट्रिक्शन लगाया करती थी, ठीक है। वहाँ पे और जितने भी बिजनेस है ना उसमें क्या करती थी गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी। तो लिबरलाइजेशन में क्या हो गया, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को हटा दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यही है बच्चों इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में वो रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे रिस्ट्रिक्शन क्या होता था, जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी हुआ नहीं करती थी ना उसके पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया लाइसेंस स्टार्टअप जो भी प्राइवेट कंपनी से उनको स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन। हाँ देखो, अगर आपके पास आज पैसा है, ठीक है, आपका बिजनेस है, तो आप क्या सोचोगे, यार एक काम करता, मेरे पास पैसा है, एक काम करता, अपना बिजनेस को मैं और बढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी इस चीज़ में भी क्या करती थी, रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, ठीक है, ये भी एक चीज़ फालतू वाला रिस्ट्रिक्शन लगाया करती थी। टैक्स रेट, और बच्चों जो भी बिजनेस चलाते थे ना उनको टैक्स रेट, बाप रे, इतना ज़्यादा देना पड़ता था कि आप सोच नहीं सकते। फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ देखो गवर्नमेंट क्या करती थी बच्चों, जो बिजनेस का जो सामान है, ठीक है, उसका भी प्राइस जो है उसको भी सेट करती थी, बोलती थी कि जो हम सेट करेंगे तुम्हें उसमें बेचना पड़ेगा, ये भी एक फालतू का रिस्ट्रिक्शन था। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सब्स्टिट्यूशन, जिससे आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब अगर आपको बाहर की कंट्री से सामान या कुछ भी लाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी बच्चों बहुत किचकिच हुआ करती थी, तो ये भी गवर्नमेंट का फालतू का रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है। तो आप देखोगे ये गवर्नमेंट के बच्चों, ये सारे लिबरलाइजेशन के पहले ही गवर्नमेंट ये सारी फालतू चीज़ें करती थी, ठीक है। तो जैसे ही लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी बिजनेस पे वो फालतू के रिस्ट्रिक्शन, ऐसे फालतू फालतू रिस्ट्रिक्शन लगाया करती थी ना, ऐसे ऐसे उस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। तो होपफुली आपको आज कंसेप्ट में समझ में आ गया होगा लिबरलाइजेशन पॉलिसी एक्चुअल में होती क्या है। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को ना हमने चार हिस्सों में बांटा गया है, एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, फिजिकल सिस्टम में, और एक्सटर्नल सेक्टर में। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स को हमने चार तरीकों में बांटे हैं, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन में है, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि लिबरलाइजेशन के आने से, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से आने से हर सेक्टर्स में जो जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने अभी बताया ना प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, तो मैंने बस छोटे से एग्जांपल्स में बताया, लेकिन प्रॉब्लम्स इससे भी ज़्यादा है। तो हर प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये जानेंगे कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी के आने से ये जितने भी सेक्टर्स, हर चारों चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम्स है, ये कितना खत्म हो गया है, ठीक है। तो वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन में चार चीज़ों है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म, और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है। तो ये चार के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ये वाला, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डीप में जानते हैं। देखो ये चीज ना, जो भी इंडस्ट्री है ना उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। देखो जैसे एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, देखो जो भी प्राइवेट कंपनीज थी ना, तो उन्हें जैसे कभी कभी सिगरेट या फिर डिफेंस इक्विपमेंट या फिर केमिकल्स बनाने के लिए ना उन्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। लेकिन क्या हो गया, जैसी ALP का मतलब जानते हैं, आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, मतलब ये गवर्नमेंट जैसी इस पॉलिसी को, इस पॉलिसी के बाद क्या सिचुएशन हुई,
इसका मतलब है एएलपी, और यहाँ पे बीएलपी का मतलब है बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी को लाने से पहले क्या सिचुएशन थी उसको हम बीएलपी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखना, प्राइवेट कंपनीज को जैसे कुछ कुछ जैसे डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, केमिकल्स हो गया, तो इसको स्टार्ट करने के लिए पता है गवर्नमेंट को लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई तो पता है गवर्नमेंट को लाइसेंस की जरूरत होने गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट को लाइसेंस की जरूरत अब होने नहीं लगी, ठीक है। तो ये है सबसे पहले इसका मतलब, एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सेकेंड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। हाँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो, आपने सुना होगा अपनी लाइफ में पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल ऐसी हॉस्पिटल्स होती है जो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में होती है। वैसे आपने प्राइवेट बस, पब्लिक बस भी सुना होगा, प्राइवेट स्कूल पब्लिक बस भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने अपनी लाइफ में प्राइवेट रेलवे या फिर पब्लिक रेलवे सुना है? नहीं, आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि रेलवे जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रेलवे को रिजर्व कर लिया। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई रेलवे से हमारे पास रहेगा, इसे प्राइवेट सेक्टर नहीं ले सकती। तो रिजर्व का मतलब बच्चों ये होता है, ठीक है। तो बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पहले बच्चों पब्लिक सेक्टर के पास मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसे 17 इंडस्ट्रीज थी, जैसे मैंने बताया ना, रेलवे भी क्या, रेलवे इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है जो कि पब्लिक सेक्टर के पास ही है, वो और किसी के पास नहीं है। एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। डिफेंस, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में सुना है प्राइवेट डिफेंस, पब्लिक डिफेंस? नहीं, क्योंकि वो डिफेंस इंडस्ट्री सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में रिजर्व है, ठीक है। तो बच्चों रिजर्वेशन का होपफुली अभी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पहले ना पब्लिक सेक्टर के पास 17 हुआ करती थी इंडस्ट्री रिजर्व, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलेगा कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे गवर्नमेंट को लगा कि पहले गवर्नमेंट सोचती थी सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल ही बनाया जाए, सिर्फ पब्लिक स्कूल ही बनाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट को पता चला कि नहीं भाई वहाँ पे तो करप्शन हो रहा है, इनएफिशिएंसी हो रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई ना, तो आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बोला कि पब्लिक सेक्टर का जो रिजर्व है उसको कम कर दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसे रिड्यूस कर दिया 17 से 8, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि अब उनका जो 17 रिजर्व थी, ठीक है, अब उनमें सिर्फ गवर्नमेंट के पास सिर्फ 8 रिजर्व हो, मतलब वो क्या करने लगी, वो ये कहने लगी कि भाई अब जैसे भी पब्लिक स्कूल हुआ करते थे जैसे सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही, अब वो प्राइवेट वाले भी स्कूल खोल सकते हैं, जैसे पहले सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स हुआ करते थे सिर्फ गवर्नमेंट के पास होते थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब हम वो रिजर्वेशन को अपने से निकाल रहे हैं, वो चीज़ पावर हम पब्लिक को मतलब प्राइवेट को भी दे रहे हैं, मतलब प्राइवेट भी अब क्या कर सकता है, अपना स्कूल भी खोल सकता है, अपना हॉस्पिटल भी खोल सकता है। तो ये चीज़ है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कम होना, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, देखो कम हो गया, पहले 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास रिजर्व हुआ करती थी, लेकिन वो हो गई कम और हो गई 8 में, ठीक है। तो क्या हो गई, कम हो गई और आ गई 8 में। डी रिजर्वेशन ऑफ अ प्रोडक्शन एरियाज, ठीक है। अब बच्चों इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज करना बच्चों आपने एग्रीकल्चर चालू किया, ठीक है, एग्रीकल्चर में पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, फार्मिंग करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो आप हमेशा चाहोगे कि भाई मेरा जो एग्रीकल्चर फार्मिंग हो ना वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, रिवर विवर हो, जहाँ से आराम से एग्रीकल्चर में अच्छा पानी आते जाए, आप ऐसी चाहोगे। तो बच्चों ऐसे हर बिजनेस का भी ना एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है। लेकिन क्या होता था बच्चों, बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी मतलब लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके पहले बच्चों क्या होता था, जो भी SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब बच्चों छोटी छोटी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट क्या करती थी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का ना एक एरिया सेट कर देती थी, वो कहती थी कि भाई जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना वो इस एरिया पे ही काम करेगी। लेकिन इसे होने क्या लग गया बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को घाटा होने लग गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मतलब लिबरलाइजेशन पॉलिसी जैसी लाई, आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जहां उन्हें सुटेबल लगे, जिस एरिया में वो काम करना चाहेगी वो उस एरिया में काम कर सकती है, मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम कर सकती है, जहां पे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले, जहां उन्हें सबसे ज्यादा सस्ते में रॉ मटेरियल मिले वो वहां जाके अपना काम कर सकती है, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन में बच्चों ये भी एक फायदा हो गया। एक्सपेंशन ऑफ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाँ देखो बच्चों बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पहले क्या होता था पता है, जो भी प्रोडक्शन जो भी उत्पादन आप करते थे उसमें भी आपको लाइसेंस देना पड़ता था, और आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता था कि भाई ये लाइसेंस ले लो और हम एक दिन में इतना प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन क्या होने लग गया, ये भी एक तरीके का बेकार साबित हो गया ये सिस्टम। तो आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि भाई अब प्रोडक्शन कैपेसिटी
के लिए अब आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जितना चाहो प्रोडक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। देखो होता क्या था बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी में, होता एक्चुअली में क्या था, बाहर की कंट्रीज और इंडिया, ये मान लो ये इंडिया, ये बाहर की कंट्रीज है। ठीक है, तो इंडिया क्या करता था, बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब है बच्चों परचेज करना। ठीक है, तो इंडिया क्या करता था, बाहर की कंट्री से कुछ ज़्यादा खरीदता नहीं था, मैंने क्रॉस बनाया मतलब खरीदता नहीं था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया बच्चों, बहुत घाटा हो गया। अब बाहर की कंट्री से खरीदता नहीं था तो बाहर की कंट्री की टेक्नोलॉजी अब इंडिया में आती भी नहीं थी, तो ये भी एक घाटा हो गया। अब क्या हो गया आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी में, ठीक है, जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया तो वहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने, वो उन्होंने कहा कि अब हम बाहर की कंट्री से भी सामान खरीदेंगे। अब सामान खरीदते थे बच्चों तो बाहर की कंट्रीज की टेक्नोलॉजी जो थी वो इंडिया में भी आने लगी, जिसके कारण बाहर की कंट्री की टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ने लगी और इंडिया भी क्या लगा अच्छा, उसका भी मतलब इंडिया की भी सिचुएशन अच्छी होने लगी। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मैंने अभी आपको बताया, ये जितनी भी बच्चों यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे ये, ठीक है, जितनी भी 17 रिजर्व थी, स्मॉल स्केल एरिया थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी बच्चों की, हम लोगों ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के थ्रू क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। वैसे ही हमें क्या करना है, ये टॉपिक्स में भी, फाइनेंशियल में भी वही पढ़ना है, फिजिकल में भी वही करना है, एक्सटर्नल में भी वही करता है। तब हम फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब बच्चों इसमें इसका मतलब ये है, ये एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ना, ये बैंक से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि ये सारी चीज़ों में इनको मतलब क्या प्रॉब्लम फेस हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में जानेंगे। बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझनी है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअली बैंक, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू सॉल्व किया। अभी कैसे किया ये जानते हैं, लेकिन इससे जाने से पहले, इसको समझाने से पहले मुझे आपको दो टर्म्स के बारे में समझाना है। देखो हर कंट्री में ना, हर कंट्री में उनका एक सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है, हर कंट्री में उसका एक खुद का सेंट्रल बैंक होता है, और हर कंट्री में बच्चों कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। अब जो सेंट्रल बैंक होता है ना हर कंट्री में सिर्फ एक होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक बच्चों बहुत ज़्यादा, मैनी, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, और वैसे ही इंडिया में बहुत सारे कमर्शियल बैंक भी है, जैसे हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे क्या है, मतलब ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक है। तो RBI को छोड़ के इंडिया में जितने भी सारे बैंक है वो सारे बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि सेंट्रल बैंक इज फादर, सेंट्रल बैंक बाप है या फिर फादर पापा, और कमर्शियल बैंक क्या है, बेटा। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या है, बेटा। तो सेंट्रल बैंक इज योर फादर और कमर्शियल बैंक इज सन। ठीक है, तो इसे ही आप समझ लो कि सेंट्रल बैंक सबका बाप है। ठीक है, तो हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है और वो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन हर कंट्री में कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। तो वैसे इंडिया की कमर्शियल सेंट्रल बैंक का नाम है RBI, और कमर्शियल बैंक तो आपको पता ही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत सारे बैंक्स हो गए, उसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि बच्चों जो हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो बच्चों ये बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जब हम लोग ने इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी नहीं लाया था, उसके पहले सेंट्रल बैंक क्या करती थी बच्चों, रेगुलेटर पॉलिसी को फॉलो करती थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी ला ली तो RBI ने क्या कर लिया, फैसिलिटेटर पॉलिसी को फॉलो करना चालू कर दिया। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसा समझ सकते हो कि हम क्या हो गए, हम क्या हो गए, रेगुलेटर पॉलिसी से शिफ्ट हो गए, रेगुलेटर पॉलिसी से शिफ्ट हो गए ये फैसिलिटेटर पॉलिसी में। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो हम पहले फॉलो करते थे, RBI फॉलो करती थी रेगुलेटर पॉलिसी, और फिर उसके बाद जैसी लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई तो उसके बाद RBI का क्या करने लगी, फैसिलिटेटर पॉलिसी को फॉलो करने लगी। अब यहाँ पर मुझे और चीज़ आपको बताना है कि बच्चों जो भी कंट्री का
मतलब जो भी हर कंट्री में जो भी सेंट्रल बैंक होता है ना, वो क्या करता है, जितनी भी कंट्री में पैसों से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, वो सारी बातों का ध्यान सेंट्रल बैंक रखता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया का पूरा जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी काम है, उस काम का ध्यान कौन रखता है? आरबीआई रखता है, सेंट्रल बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पहले ना आरबीआई क्या करता था, रेगुलेटरी पॉलिसी में, इसमें क्या होता था बच्चों, कमर्शियल बैंक जो भी हुआ करती थी ना, तो वहाँ उनको क्या करना पड़ता था, फिक्स इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था, जो क्या करती थी, आरबीआई डिसाइड करती थी। मतलब कमर्शियल बैंक, देखो जैसे कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है आज के समय में, कमर्शियल बैंक जैसे इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूँ, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जैसे मे बी आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो बैंक क्या करती है, आप वो आपको लोन देगी और बैंक ये डिसाइड करती है कि लोन आपको कितने इंटरेस्ट में देगी। जैसे मान लो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है बैंक में, तो बैंक आपको ये बताएगी कि उसमें बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगी, तो मैं उस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों जो भी इंटरेस्ट रेट है ना, पहले लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पहले जो भी इंटरेस्ट रेट था ना, वो आरबीआई क्या करती थी, कमर्शियल बैंक के लिए डिसाइड करती थी। लेकिन जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई ना, तो आरबीआई ने बोला सारी कमर्शियल बैंकों कि भाई हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, तुम अपने आप से जो भी तुम्हें इंटरेस्ट रेट अपनी बैंक के लिए सुटेबल लगे, अच्छा लगे, तुम वो अपने आप क्या कर लेना, डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो पहले क्या करती थी आरबीआई, उनका खुद डिसाइड करती थी, लेकिन अब आरबीआई ने क्या कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, अब वो अपना कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है। अब बच्चों होने क्या लग गया, जब ये वाली जो पॉलिसी थी, रेगुलेटर पॉलिसी जो आरबीआई फॉलो करती थी, इससे बहुत घाटा ही घाटा था, लेकिन जैसे फैसिलिटेटर पॉलिसी आ गई ना, तो इससे बहुत फायदा फायदा हुआ। इवन तक ये फायदा हो गया, इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा, देखो एरो डाल के यहाँ पे मैंने एरो लेके गया, इसका रिजल्ट ये होने लग गया बच्चों कि बाहर की जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, FII मतलब F का मतलब है फॉरेन, I का मतलब है इंस्टीट्यूशनल, I का मतलब है इन्वेस्टर्स। तो बच्चों बाहर की कंट्री के जो इन्वेस्टर्स थे ना, वो इंडिया में अब आके पैसा अपना लगाना लगी, ठीक है, जिससे इंडिया ग्रो करने लगा, जिसके कारण इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करने लगी। ठीक है, तो बच्चों ये है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो आपको एग्जाम्स में पूछे तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। अब है बच्चों हमारे पास फिस्कल रिफॉर्म। अब ये फिस्कल रिफॉर्म क्या रहता है, देखो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या होता है बच्चों, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इसको मैं आपको समझाता हूँ इजी शब्दों में। देखो देखो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। देखो रेवेन्यू का मतलब बच्चों होता है पैसा आना, पैसा आपके पास आ रहा है तो उसे आप रेवेन्यू कहेंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बच्चों, जब आपके पास पैसा जो है, आपके पास जो पैसा है वो जब आपके पास आपके हाथ से चला जाता है, ठीक है, तो हमेशा आपके पास रेवेन्यू होना चाहिए और एक्सपेंडिचर आपका कम होना चाहिए। रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप भी तो यही चाहोगे ना कि आपके पास पैसा आए, तो पैसा आने का मतलब है रेवेन्यू, पैसा, और आप हमेशा चाहोगे कि पैसा आपके पास कम से कम जाए, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कम हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना बच्चों, आपका जो रेवेन्यू है ना, वो बहुत तरीक़ों से आ सकता है। जैसे आपके फादर में भी सैलरी कमा के आपके पास पैसा आ सकता है, मे बी आपका बिजनेस हो, बिजनेस से जो भी पैसा है उससे भी आपके पास रेवेन्यू आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों जैसे आप जैसे जिस तरीके से आपके पास पैसा आता है ना, सैलरी या फिर बिजनेस की इनकम के थ्रू, वैसे ही गवर्नमेंट के पास भी क्या आता है, रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा आता है। पैसा कहाँ से आता है, उनके पास टैक्स से आता है। आपको पता है ना, गवर्नमेंट आपके हर चीज़ में मतलब टैक्स लगाती है, आपकी प्रॉपर्टी ऑपरेटी में हर जगह आपको टैक्स लगाती है। तो बच्चों जो टैक्स का पैसा ना, ये क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट के टैक्स क्या, उनके लिए पैसा है, एक तरीके से उनके उनके लिए वो पैसा आना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, टैक्स लेके अपना रेवेन्यू को कलेक्ट करती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना है कि बच्चों जो टैक्स होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है बर्डन कैन नॉट, यहाँ पे मैंने एरो डाल के लिखा है, नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। इनडायरेक्ट का मैंने टैक्स का लिखा है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। देखो डायरेक्ट टैक्स का मतलब बच्चों, ये टैक्स ना सिर्फ आपके ही ऊपर लगता है। देखो मतलब मान लो कि आपका घर है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके आपके घर में भी टैक्स लगाएगी। तो आपके घर है तो आपको इसका टैक्स आपको ही भरना पड़ेगा, ठीक है, आपका घर है तो आपको ही इसका टैक्स भरना पड़ेगा। आप कोई बोल नहीं सकते एबीसी पर, सर आप कोई गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते, सर आपने कोई मेरा ये दोस्त है एबीसी, इससे पैसा ले, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसे कहते हैं, ऐसे टाइप के टैक्स कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो सिर्फ आपके ही ऊपर लगता है। आप इसको शिफ्ट
नहीं कर सकते। आप किसी को गवर्नमेंट को ऐसे नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट यार मैं टैक्स नहीं दे पाऊंगा अपने वाला, आप किसी और से ले लो। तो आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही लिखा है, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर। टैक्स क्या रहेगा बच्चों, देखो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, टैक्स गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट के लिए टैक्स अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए टैक्स ना क्या है, बेकार बात है। आपके लिए टैक्स क्या है, बर्डन है, ठीक है। आपको टैक्स देना पड़ता है, ये आपके लिए बर्डन रहता है, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, तो आप अपना बर्डन किसी और को नहीं दे सकते। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जाम्पल आ गया इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि सपोज करना आप, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। आपके फ्रेंड की ना बर्थडे पार्टी, आपका फ्रेंड ने सीधा डोमिनोज लेके गया आपको, बोला कि भाई मैं तो आपने आपका फ्रेंड आपने आपको बोला कि भाई चल यार मैं तुझे डोमिनोज खिलाता हूँ। अब देखो एक पिज्ज़ा वो लेगा अपने लिए, एक पिज्ज़ा लेगा वो आपके लिए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे एक पिज्ज़ा आप खाओगे, एक पिज़्ज़ा ये खाएगा, है ना। तो अगर हिसाब से आप ऐसी मतलब अगर आप लॉजिकली देखोगे तो आप इस पिज्ज़े को खा रहे हो तो इसका पैसा आपको देना पड़ेगा, ये आपका फ्रेंड इस पिज्जा को खा रहा है तो इसका पैसा इसको देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे आप कोई भी डोमिनोज या KFC से आप जब कुछ भी चीज़ लेते हो, वो कहीं भी जैसे सबवे हो गया, कहीं से भी आप जब लेते हो, रिलायंस से लेते हो, तो हर जगह आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो अगर आपने डोमिनोज से भी लिया ना, तो आप देखना वहाँ पे आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपका फ्रेंड ने आपको लेके आया, आपके फ्रेंड ने बोला कि चल मैं तुझे अपनी बर्थडे पार्टी दूंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपको डोमिनोज पिज्जा में ले गया, लेकिन यहाँ पे दो पिज्जा किया, एक अपने लिए एक आपके लिए। अब हिसाब से देखा जाए, ये वाला पिज्जा आपको मिलेगा, ये वाला पिज्जा इसको मिलेगा, लेकिन ये जो आप खा रहे हो ये वाला पिज्जा, इसका टैक्स तो आप लॉजिकली आपको भरना चाहिए अपनी पॉकेट से, ठीक है। आपका फ्रेंड को इसका पिज्जा का जो पैसा है टैक्स, वो इसको भरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आपका जो फ्रेंड है अपनी बर्थडे पार्टी दे रहा है, तो ये जो आपको जो पैसा देना चाहिए ना, वो आपका फ्रेंड दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे अपना जो टैक्स जो देने वाला है, वो आप अपने अपने फ्रेंड को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका फ्रेंड तो कह रहा है ना कि भाई मैं तुझे अपना बर्थडे पार्टी का पैसा, मतलब मैं तुझे अपने बर्थडे पार्टी में लेके जा रहा हूँ, तो सारा खर्चा मेरी तरफ से। तो ये जो टैक्स दे रहा है, ये अपना भी टैक्स खुद ही भर रहा है, ये इलॉजिकली आप देखोगे, आपका भी टैक्स आपने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका भी टैक्स क्या कर रहा है, ये भी आपके पिज्जे का भी टैक्स यही भर रहा है। तो बच्चों ऐसे जो टैक्स होते हैं ना बच्चों, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसका बर्डन आप किसी और को इसमें डाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल सेल्स टैक्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता था, जब आपके पास बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, BLP का मतलब है बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी नहीं थी, उसके पहले क्या था बच्चों, जो टैक्स स्ट्रक्चर था ना बच्चों, बहुत कॉम्प्लेक्स था, मतलब बहुत हार्ड था, बहुत मतलब उसको डिफिकल्ट था समझना, ठीक है। लेकिन जैसे ही आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी ना बच्चों, टैक्स क्या हो गया, ईजी हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये एक तरीके का फायदा हो गया। और आपको तो और एक चीज़ पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने और ईजी कर दिया हमारे लिए, हमारे लिए उन्होंने क्या ला दिया, GST का टैक्स सिस्टम ला दिया। अभी GST का टैक्स सिस्टम बच्चों ऐसा होता है, देखो जैसे मान लो कि आपके GST में, मतलब जब GST नहीं था ना बच्चों, उसके पहले क्या होता था, आपको मतलब आपका स्टेट है और आपका सेंट्रल है, ठीक है। मान लो कि आप ना, मान लो कि महाराष्ट्र में रहते हो, तो आपको ना महाराष्ट्र का टैक्स अलग भरना पड़ेगा। मे बी आप मान लो कि आप मतलब ऐसे समझो कि मान लो कि आप आपको सामान बेचना है कोई और अदर स्टेट में, ठीक है। तो सबसे पहले आप महाराष्ट्र का टैक्स आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको कोई और स्टेट का टैक्स भरना पड़ेगा, फिर आपको ना कहीं ना सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ना, उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो GST जब नहीं था ना, तो ये सारी प्रॉब्लम आती थी, मतलब एक इंसान को पता नहीं चलता था, उसको हर जगह टैक्स अलग अलग भरना पड़ता था। लेकिन जब बच्चों जैसे GST आ गया ना, तो GST ने क्या कर दिया, ये आपस में सबको जोड़ दिया, उसने कहा कि बस अब एक ही टैक्स सिस्टम चलेगा। तो इसे ना लोगों को बहुत ईजी समझ में, मतलब ईजी सिस्टम उसे लगने लगा, ठीक है। तो बच्चों लिबरलाइजेशन जैसी आ गया ना, तो बच्चों हमारा टैक्स सिस्टम क्या हो गया, ईजी हो गया, लेकिन पहले हार्ड था। लेकिन ये जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है कि टैक्स कौन से टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वो मैंने आपको बेसिकली बता दिया। तो बच्चों ये है बच्चों फिस्कल रिफॉर्म। तो फिस्कल रिफॉर्म बच्चों, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक तरीके की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जो हमने लिबरलाइजेशन के थ्रू कर दिया। क्योंकि लिबरलाइजेशन सिस्टम जब नहीं था, तो प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हमारा टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई, तो हमने इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया और हमने टैक्स सिस्टम को ईजी बना दिया। वो तभी पॉसिबल हुआ जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई। अब बच्चों ये जो टॉपिक है आखिरी वाला,
ये हम लोग तो सारे कर लिए, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब हम ये है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ये ना दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। बच्चे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म ना, मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो ये अगेन मैं अगर आपको पिछले वाली जो चैप्टर्स है, जो मैं इसकी लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा नीचे, ये देखो। हाँ ये देखो, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। बच्चों इस टॉपिक में ना आपको ये वाले चैप्टर देखना ही पड़ेगा। तो एक फॉरेन एक्सचेंज रेट और मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट एक चैप्टर पढ़ा था, जिससे आपको इजिली इसके बारे में समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ये आपको क्या करना पड़ेगा, बीओपी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर है, ठीक है, और एक फॉरेन एक्सचेंज रेट करके चैप्टर है। वो जो चैप्टर आप करोगे तो इजिली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद हम लोग ने क्या कर लिया, दो कंसेप्ट लाए, डेवल्यूशन ऑफ करेंसी और डिमांड एंड सप्लाई वाला। तो ये पॉलिसी आई, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो गई। तो यहाँ वो चैप्टर देखिए ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें सस्ती लगने लगी, तो अपने आप ही वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी पॉसिबल नहीं है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसी का एक दूसरा पार्ट है। यहाँ पे क्या होता था बच्चों, हम लोग ने क्या कर दिया, इम्पोर्ट कोटास को वही मैंने आपको बताया, हम लोग ने खत्म कर दिया। पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, जो हम इंडस्ट्री पे लाइसेंस लगाते थे, उसको खत्म कर दिया। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला जो था, हम अपनी इंडिया की कंट्रीज को इंडिया की जो भी कंपनीज को प्रोटेक्ट करते थे बाहर की कंट्री से, उसको भी हटा दिया वो सिस्टम भी। तो ओवरऑल आप देखोगे तो बच्चों ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म हो गई लिबरलाइजेशन के आने से, ठीक है। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब यही है, जो हम बिजनेस में फालतू के रिस्ट्रिक्शन लगाया करते थे उसको हम लोगों ने हटा दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है। और जो हमारी कंट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिस्कल रिफॉर्म और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, इन चारों में हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हर हर चीज, इन चारों में अपनी अपनी प्रॉब्लम थी, और ये सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने लिबरलाइजेशन के थ्रू सॉल्व कर दिया। तो ये हम लोग ने इस इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन में हम लोग ने सीख लिया। तो होपफुली आप फटाफट क्या करो, नोट कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सारी चीज़ों को नोट करते जाना, ठीक है। मैं कैमरा को थोड़ा वो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को बच्चों आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक था बच्चों, मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, ठीक है। बहुत ही सरल टॉपिक है, आप सभी बस मेरे साथ सुनते जाइएगा, आपको एक्चुअली में समझ में आ जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या चीज है, ठीक है। तो ये एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो टॉपिक है वो है, आज हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर करेंगे, जो कि आपका इंडियन इकोनॉमिक का टॉपिक है। इसकी अगर आपने पहली वाली पार्ट्स नहीं देखी होगी इस चैप्टर की, तो आपको सारी पार्ट्स प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो हालांकि अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब जानते हैं। देखो सबसे पहले आप जानो कि रोल का मतलब क्या होता है, रोल का मतलब होता है पावर, रोल का मतलब क्या होता है पावर, ठीक है। तो जब आप पब्लिक सेक्टर की पावर या रोल को कम कर दोगे और प्राइवेट सेक्टर की रोल यानी पावर को बढ़ा दोगे, तो हम उसे कहेंगे प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो मीनिंग अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं, प्राइवेटाइजेशन मीन्स डिक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। अगर आप बच्चों इसका नाम ही देखोगे प्राइवेट, देखो प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, तो प्राइवेट करना, इस वर्ड का मतलब है प्राइवेट करना। तो जैसे आप पब्लिक सेक्टर के पावर को कम कर दोगे या प्राइवेट सेक्टर की पावर को बढ़ा दोगे, तो अपने आप क्या हो जाएगी, वो चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, मतलब वो क्या होगी, प्राइवेट होते जाएगी, ठीक है। तो इसके नाम से ही आपको इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों प्राइवेटाइजेशन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। मैं पहले आपके साथ पहला तरीका शेयर करता हूँ। देखो सबसे पहला तरीका है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कभी कभी ना पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक की मतलब, पब्लिक मतलब बच्चों एक चीज अभी बता दूँ, पब्लिक सेक्टर मतलब बच्चों गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं पब्लिक इंटरप्राइजेस कहूँ या फिर गवर्नमेंट कंपनी भी कहूँ, तो उसका मतलब एक ही है। तो बच्चों कभी कभी क्या हो जाता है, गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस में क्या हो जाता है, बहुत सारा लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है,
वो अपनी गवर्नमेंट कंपनियां पब्लिक इंटरप्राइजेस को क्या कर देती है, सेल कर देती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को। गवर्नमेंट कंपनी बोलेगी अरे भाई, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनीज को बोलेगी कि भाई अरे यार, हमारा ना जो गवर्नमेंट कंपनी ना बहुत लॉस में आ जा रहा है, एक काम करो हमारी कंपनी को ना तुम खरीद लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या करती है, अपनी कंपनी को, अपनी पब्लिक इंटरप्राइजेस को सेल कर देती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है बच्चों, देखो वापस से क्या हो गया, यहाँ पे पब्लिक इंटरप्राइजेस का या फिर पब्लिक का रोल क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आप बेच दोगे इन्हें तो प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो जाएगा, वापस से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पहला तरीका। अगर मैं सेल की जगह अगर ट्रांसफर भी लिखूँ ना, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, सेल बोल दो या फिर ट्रांसफर बोल दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो पहला तरीका ये होता है प्राइवेटाइजेशन करने का, जब गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक इंटरप्राइजेस अपनी इंटरप्राइजेस को सेल कर देती है या ट्रांसफर कर देती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को। तो एक ये तरीका होता है जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन होता है। दूसरा तरीका होता है बच्चों, कभी कभी क्या हो जाता है जॉइंट इंटरप्राइज में, जैसे आप आपको पता है, पहले तो मैं बता दूं जॉइंट इंटरप्राइज क्या होता है। देखो जॉइंट इंटरप्राइज मतलब एक ऐसी इंटरप्राइजेस जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं, उसे हम जॉइंट इंटरप्राइजेस कहते हैं, जो कि आपने क्लास 11 के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ के रखा है जॉइंट इंटरप्राइजेस का मतलब, ठीक है। तो जॉइंट इंटरप्राइजेस मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट कह दो या पब्लिक सेक्टर एक ही है, ठीक है, या फिर प्राइवेट सेक्टर जब आपस में मिलकर काम करते हैं, उसे हम जॉइंट इंटरप्राइजेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, दिल्ली मेट्रो, ठीक है। दिल्ली मेट्रो की अगर मैं बात करूँ, तो दिल्ली मेट्रो में क्या हो बच्चों, दिल्ली मेट्रो है ना, वो क्या है, जॉइंट इंटरप्राइजेस है। जहाँ पे दिल्ली मेट्रो में क्या होता है ना, दिल्ली मेट्रो गवर्नमेंट के हाथ में भी और प्राइवेट के भी हाथ में है, ठीक है। तो दोनों आपस में मिलकर दिल्ली मेट्रो को चलाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपने जॉइंट इंटरप्राइज का मतलब समझ लिया होगा। तो बच्चों जब जॉइंट इंटरप्राइजेस होता है ना, तो गवर्नमेंट के हाथ में भी कंट्रोल रहता है, या पावर बोल दो, कंट्रोल या पावर भी बोल दो, या रोल भी कह दो, रोल कह दो या फिर पावर भी कह दो, ठीक है। और प्राइवेट के पास भी बच्चों क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। पावर कह दो या रोल कह दो या फिर कंट्रोल कह दो, एक ही मतलब है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी और प्राइवेट के पास भी, दोनों के पास ना कुछ कुछ कंट्रोल होता है। सपोज करना कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो कि दिल्ली मेट्रो के लिए 50% जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के पास था, 50% था प्राइवेट के पास, ठीक है। दोनों के पास बराबर बराबर कंट्रोल था, ठीक है, जॉइंट इंटरप्राइज में, ठीक है। तो 50-50 का कंट्रोल मतलब बच्चों, यहाँ पे मैं और एक चीज बता दूँ, मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास था, मतलब गवर्नमेंट का 50% का ओनरशिप है जॉइंट सेक्टर में। हम ऐसा कहते हैं रियल भाषा में कि गवर्नमेंट के पास जॉइंट इंटरप्राइज में 50% का ओनरशिप है, 50% का ओनरशिप है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जॉइंट इंटरप्राइज में मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के पास 50% ओनर शेयर है ये वाली जॉइंट इंटरप्राइजेस का, ठीक है। तो बच्चों 50% ओनरशिप है गवर्नमेंट के पास, 50% ओनरशिप है प्राइवेट के पास। अब देखो कभी कभी क्या हो जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, गवर्नमेंट ये करती है कि वो प्राइवेटाइजेशन कर देती है, मतलब वो कहती है कि भाई हम ना अपनी जो ओनरशिप है, मतलब 50% से मतलब गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट वालों को कि भाई हम ना अपना ओनरशिप ना क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, 50 से हम क्या कर रहे हैं, 30 में कम कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों बताओ कि अब 50-50 100 हो गया था, अब मान लो कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम अपना ओनरशिप कम कर देंगे, 30 कर दिया, तो अब बच्चा 70 100 में से, मतलब 100 में से अब 30 माइनस करोगे तो 70 बचेगा। तब यहाँ पे आप देखना वापस यहाँ पे क्या हो गया, ये प्राइवेट का सेक्टर का बच्चों रोल क्या हो गया, बढ़ गया, और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का बच्चों रोल क्या हो गया, कम हो गया। तो बच्चों ये भी एक तरीका होता है प्राइवेटाइजेशन करने का। तो प्राइवेटाइजेशन करने का दो तरीका होता है, एक तो पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या कर देती है, सेल कर देती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को। सेकेंड तरीका क्या होता है बच्चों, कभी भी ना जॉइंट इंटरप्राइज जो होता है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, जो गवर्नमेंट का ओनरशिप है, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, अपनी ओनरशिप को कम कर देती है, और अपनी कम कर देती है मतलब अपना कंट्रोल कम कर देती है, और बाकी कंट्रोल पूरा दे देती है प्राइवेट को, ठीक है। तो बच्चों ये भी एक तरीका है जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों दो तरीके थे, मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। अब यहाँ पे और एक बात आती है कि जो पहला वाला जो मैंने आपको बताया ना, पहला वाला तरीका बच्चों, इस पहले वाले तरीके को हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जब पब्लिक इंटरप्राइजेस ट्रांसफर कर देती है अपनी इंटरप्राइज को प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, तो उस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो
इसका मतलब ही डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो बच्चों जब एक पब्लिक इंटरप्राइजेस प्राइवेट इंटरप्राइजेस को अपनी इंटरप्राइजेस सेल या ट्रांसफर कर देती है ना, तो बच्चों इससे क्या हो जाता है, करप्शन बहुत कम हो जाता है, इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब सॉरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इनएफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और बच्चों टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगती है यूज टू मैनेज। और बच्चों इससे फिजिकल डेफिसिट भी क्या हो जाता है, मैनेज करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो बच्चों आप ये एक्चुअल में होता कैसे, देखो करप्शन, देखो होता यह है कि बच्चों जैसी प्राइवेट के पास ना, जैसी प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा क्या करना, पावर देना। तो होता क्या है बच्चों इससे, जैसी देखो जैसी ना बच्चों प्राइवेट के पास पावर आ जाते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं करप्शन बच्चों बहुत कम हो जाता है। एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ती है, देखो मान लो कि ये अमेज़न है, ठीक है, ये क्या है अमेज़न है, मान लो ये है स्नैपडील, ठीक है, ये है फ्लिपकार्ट और ये है अलीबाबा। आपको पता है बच्चों कि ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये प्राइवेट कंपनीज है, ये क्या है, ये सारी प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना कि बच्चों जब यहाँ पे मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ, जब प्राइवेट के पास पावर होती है तो उससे फायदे क्या होते हैं, देखो जैसी ना बच्चों प्राइवेट के पास, जैसी प्राइवेट इंटरप्राइजेस प्राइवेट कंपनीज काम करती है ना, तो इनमें क्या रहता है, आपस में एक दूसरे से बहुत कॉम्पिटिशन होता है। ये सब ना चाहती है कि ये एक दूसरे से आगे रहे। मान लो कि जैसे मान लो कि अमेजन को पता चल गया, मतलब अमेजन ने अपनी कंपनी में एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी लाई, तो इसे ना बाकी कंपनीज को भी पता चल जाएगा, तो इससे क्या करेगी, बाकी कंपनीज भी बोलेगी कि भाई अमेजन ने अच्छी टेक्नोलॉजी लाई, हमसे आगे जा सकते हैं, काम करो, हम भी अपनी कंपनी में ये वाली टेक्नोलॉजी ला देते हैं, ठीक है। तो इससे हर कंपनी भी क्या करती थी, अपने अपने पास अच्छी वाली टेक्नोलॉजी ला देती है जो इसके कॉम्पिटिटर के पास है। वैसे मान लो बच्चों स्नैपडील के पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, तो बाकी फ्लिपकार्ट अमेजन अलीबाबा को भी पता चल जाएगा कि भाई स्नैपडील के पास एक अच्छी वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये बाकी कंपनीज भी क्या करेगी, उसके हिसाब से अपने पास भी टेक्नोलॉजी अच्छी लाएगी। तो मतलब आपस में आप देखना, प्राइवेट इंटरप्राइजेस में ना आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन रहता है। तो कॉम्पिटिशन करने के कारण क्या हो जाता है बच्चों, आपस में एक दूसरे से ना बहुत कॉम्पिटिशन करता है कि मैं आगे जाऊंगा। तो इसके चलते चलते क्या हो जाता है, वो अपनी कंपनीज की ना टेक्नोलॉजी को बढ़ा देते हैं, वो अपनी कंपनीज की क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना, तो काम बहुत अच्छे से होता है, काम अच्छे से होता है, आउटपुट अच्छे से आता है, तो बच्चों कंपनी में एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों प्राइवेट का यही एक फायदा होता है सबसे बड़ा। अब देखो मान लो कि बच्चों कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी कंट्री में, मान लो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मान लो कि जितनी भी इंटरप्राइजेस है बच्चों, ये सारी इंटरप्राइजेस है गवर्नमेंट के हाथ में। अब बच्चों गवर्नमेंट के हाथ में रहता है ना, तो गवर्नमेंट को भी पता है यार ये सारी इंटरप्राइजेस तो हमारी ही है, ठीक है, ये जितनी भी मान लो स्टील कंपनी है, ठीक है, कपड़े बनाने की कंपनी है, गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज है बच्चों, मान लो कि सारी कंपनीज गवर्नमेंट की है, तो बच्चों गवर्नमेंट क्या रहती है, हमेशा रिलैक्स बैठी रहती है, उन्हें पता रहता है कि यार ये तो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को क्या होगा, हम तो खुद ही गवर्नमेंट है, खुद ही कंट्री चलाएंगे, हमारी कंपनी को कौन हटाएगा, ठीक है, वो वाली बात आ जाती है। तो इसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, गवर्नमेंट हमेशा रिलैक्स बैठी रहती है, एकदम आराम से बैठी रहती है। लेकिन जो भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस रहती है ना, इन्हें आपस में क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, इन्हें डर रहता है कि भाई इनके कॉम्पिटिटर्स के कारण इनकी कंपनी बंद ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को हमेशा कंपीट करते रहते हैं, ठीक है, अच्छे से टेक्नोलॉजी लाते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे चले जाए। तो इसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, वो टेक्नोलॉजी अच्छी से रहती है, एफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण करप्शन भी बच्चों कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, तो गवर्नमेंट में बच्चों सब रिलैक्स बैठे रहते हैं, ठीक है, इसके कारण गवर्नमेंट वर्कर्स भी है ना, वो भी आराम से बैठे रहते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाती है बच्चों, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण आप देखोगे बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज रहती है जो एक्चुअली में वो क्या हो जाती है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस फेस कर, जैसे एयर इंडिया हो गया, ठीक है, सब एक्चुअली में लॉस में जाती है बहुत ज़्यादा इसी के वजह से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, प्राइवेटाइजेशन करते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने के एक्चुअल में फ़ायदे भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन नुकसान एक्चुअल में बहुत कम होते हैं, ठीक है। फ़ायदे और नुकसान के बारे में मैं अभी यहाँ पे बताऊँगा, गेंस और लॉसेस में, ठीक है। लेकिन अभी आप एक स्टोरी के से जान लो कि सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन करने से बच्चों बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है हमारे यहाँ पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन करती है, मतलब
प्राइवेट को अपनी पावर देते जाती है, प्राइवेट को अपनी रोल मतलब पावर बढ़ाने देती है और पब्लिक अपनी पावर को कम करने देती है, ठीक है। तो यही एक एक रीजन है। अब मैं अगर इसके फायदे और नुकसान की बात करूं तो देखो इसका बच्चों फायदा यह है, सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। इससे क्या हो जाता है बच्चों, देखो आप सभी को पता है कि सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब, यहाँ पे मैं बता दूँ, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है प्रॉफिट कमाना। आप सभी को पता है प्रॉफिट कौन कमाता है, प्राइवेट कंपनीज कमाती है। सोशल इंटरेस्ट का मतलब है बच्चों सोशल वेलफेयर, मतलब एक तरीके से बच्चों सोशल वेलफेयर का मतलब है भला करना, ठीक है। तो भला कौन करता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस करती है, ठीक है। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस एक्चुअल में गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के हाथ में रहती है तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का बस भला हो। तो सोशल इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चों सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ये किसका काम होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस या फिर गवर्नमेंट का हाथ होता है। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट बच्चों प्रॉफिट, इसका मतलब सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब प्रॉफिट अर्न करना रहता है। प्रॉफिट और कमाता कौन है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस कमाते हैं। तो बच्चों इससे होता क्या है, देखो आप अगर किसी को भी बोलोगे कि भाई तू फ्री में काम कर अपने पूरे जीवन भर, तो क्या वो बंदा काम करेगा। अगर वहीं पे आप उस बंदे को बोल दो कि भाई तू ये काम कर दे, मैं उसके बदले तुझे पैसा दूंगा, वो बंदा ना क्या करेगा, एकदम अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो बच्चों यही चीज है, इसलिए ना प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या करती है, पैसों के लिए काम करती है। तो जब वो काम करती है ना बच्चों, तो वो एकदम 100% अपना 100% देती है। अब जैसे वो अपना 100% देती है ना, तो उनकी कंपनी का प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन प्राइवेट यहाँ पे पब्लिक मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट वर्कर्स में क्या रहता है बच्चों, वो उन्हें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बच्चों सोशल वेलफेयर के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ के वर्कर्स को भी ना कोई मोटिवेशन नहीं देता, वहाँ के मतलब वर्कर्स को पता रहता है यार हमें कुछ प्रॉफिट तो मिलने नहीं वाला है, ठीक है। जो भी मिलेगी सैलरी वैलरी मिलेगी, बस वही वही मिलने वाला है। तो उसके कारण वो क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते, वो अपना 100% नहीं दे पाते। लेकिन प्राइवेट में क्या रहता है, उन्हें पता है कि अगर हम काम करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो 100% काम करते हैं, जिसके कारण उनके पास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी तो कंट्री की GDP बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी तो कंट्री की इकोनॉमिक भी बढ़ेगी। ये एक पहला रीज़न है जो प्राइवेटाइजेशन का बच्चों, एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सेकेंड चीज़ है प्राइवेट इंटरप्राइजेस वर्क्स इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। हाँ ये देखो बच्चों, अभी मैंने अभी आपको बताया था, ये जो स्टोरी मैंने बताई थी ना, देखो प्राइवेट क्या करती है, आपस में एक दूसरे को एक दूसरे से क्या करती है, कम्पीट करती है। तो आपस में जब वो एक दूसरे से लड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी अच्छी करती है, ठीक है। तो बच्चों जैसे अपनी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी करती है, तो बच्चों कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अपने आप हो जाती है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा गेन फायदा यही है, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चों डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो मान लो कि ये जो रिलायंस कंपनी है, मान लो ये रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंटरप्राइजेस है, ठीक है। आपको सभी को पता है कि रिलायंस को धीरू भाई अंबानी जी ने खोला था। अब जैसे धीरू भाई अंबानी जी ने सबसे पहला ना क्या किया था, स्पाइसेस का सबसे पहले अपनी कंपनी मतलब सबसे पहले स्पाइसेस का काम चालू किया, स्पाइसेस का बिजनेस चालू किया था। जैसे उन्हें अपने स्पाइसेस में बिजनेस में फायदा हुआ ना, प्रॉफिट हुआ, तो उन्हें पता चला यार मुझे तो स्पाइसेस बिजनेस में बहुत फायदा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर अगली बार पॉलिस्टर का बिजनेस चालू कर दिया। जब उन्हें जैसे ही पता चला यार मेरा तो पॉलिस्टर बिजनेस भी अच्छे से काम कर रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना क्लोथ्स का बिजनेस चालू कर दिया। अब जैसे उन्होंने अपना क्लोथ्स का बिजनेस चालू किया, फिर वो धीरे से क्या किए, पेट्रोल और स्टील की इंडस्ट्री भी चालू कर दिए। तो बच्चों यही प्रोसेस होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन करना, मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज रहती है ना बच्चों, वो क्या करती है, जैसे उन्हें अपने अपने मतलब मान लो कि उन्होंने पहले स्पाइसेस चालू कर दिया, तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें अगर प्रॉफिट हो गया तो वो क्या करते हैं, दूसरे टाइप के बिजनेस में आते हैं, पॉलिस्टर के बिजनेस में आएंगे। जैसे उन्हें पॉलिस्टर में फायदा हुआ तो क्लोथ्स के बिजनेस में आएंगे। तो बच्चों यही होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन करना, मतलब आप क्या करते हो, जैसे आपको पता चलते जाता है कि आपको वो बिजनेस में फायदा होते जाता है, तो आप क्या करते हो, एक नया नया बिजनेस चालू करते जाते हो। तो बच्चों ये क्या करती है, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज कर पाती है, ठीक है। ये पब्लिक इंटरप्राइजेस नहीं कर पाती, ये सिर्फ एक्चुअल में प्राइवेट इंटरप्राइजेस ही कर पाती है, क्योंकि प्राइवेट इंटरप्राइजेस को क्या करना है, पैसे से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। तो वो हमेशा चाहेगी कि यार उनका बिजनेस ना हर जगह पे हो, हर टाइप के बिजनेस में हो। तो उन्हें पता है कि अगर वो स्पाइसेस में भी करेंगे तो पैसा आएगा, पॉलिस्टर से करेंगे तो और ज़्यादा पैसा आएगा, क्लोथ से करेंगे और ज़्यादा पैसा आएगा, पेट्रोल स्टील से करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। तो उन्हें प्रॉफिट से मतलब है, इसलिए प्राइवेट क्या जाता है, हमेशा प्रॉफिट में ज़्यादा है मैक्सिमम। अब बच्चों क्या है फोर्थ पॉइंट, सबसे बड़ा जो फायदा है, प्रमोट्स कंज्यूमर सर्विजिनिटी। हाँ इसमें क्या हो जाता है बच्चों, हम जो कस्टमर्स होते हैं ना, प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या हो जाता है बच्चों, प्राइवेट कंपनी के कारण हमें बहुत ज़्यादा चॉइस और क्वालिटी मिल जाती है। देखो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
देखो अगर गवर्नमेंट आपको राइज देगी ना, तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ मतलब मान लो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो मतलब मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप पीपल को राइस लेना है, ठीक है, तो बच्चों गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले आपको राइस देगी। ये राइस ना बच्चों पुअर क्वालिटी का भी हो सकता है, तो बच्चों अब जिस जो भी बंदा रिच होगा ना, उस बंदे को भी ये पुअर क्वालिटी का राइस लेना पड़ेगा, पुअर को भी लेना पड़ेगा, मीडियम क्लास पीपल को भी पुअर का लेना पड़ेगा। तो बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर देती है, उनके ऊपर कंपल्शन डाल देती है कि नहीं भाई जो राइस हम दे रहे हैं तुम्हें वही खाना पड़ेगा, तुम और कोई नहीं ले सकते हो। लेकिन बच्चों जब प्राइवेट होती है ना, तो बच्चों प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से क्या करती है, राइस बनाती है, तो जो और उसका प्राइस सेट कर देते हो, जो बंदा जिस भी चीज को ले, जिस भी टाइप का राइस ले सकता है वो ले सकता है, वो भी अच्छा क्वालिटी का लेगा, तो वो जो जो पीपल अच्छा क्वालिटी का खाना चाहता है तो वो अच्छा क्वालिटी का ले ले, जो बेकार क्वालिटी का खाना चाहता है तो बेकार का ले ले। तो क्या हो जाता है बच्चों, ये प्राइवेटाइजेशन के कारण पॉसिबल है। तो एक बंदा कोई भी बंदे को ना बच्चों, जब वो प्राइवेट कंपनी के कारण ना बच्चों उसके पास बहुत सी चॉइसेस आ सकती है, वो हमेशा देख सकता है कि भाई मैं ये भी खरीद सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सैमसंग हो गई, ठीक है, आपकी एप्पल हो गई, या आपकी बच्चों और भी ओप्पो हो गई, ठीक है बच्चों, और भी जैसे मोटोरोला। तो बच्चों हर कंपनीज क्या है, प्राइवेट कंपनीज है, तो हमें क्या है बच्चों, हमें अगर मोबाइल खरीदना है या फिर कुछ भी चीज़ खरीदना है, तो हम हमारे पास बहुत सारी कंपनीज के चॉइस है, हमें पता है कि भाई सैमसंग भी है, अमेजन भी है, नोकिया भी है, और भी बच्चों बहुत सारी कंपनीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से, वाइडर चॉइस का मतलब हमारे पास चॉइस मतलब बहुत ज़्यादा चॉइस हमारे पास मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज है। हमें सैमसंग का पसंद नहीं आ रहा है तो हम एप्पल में स्विच हो सकते हैं, एप्पल का नहीं आ रहा है तो हम और कोई कंपनीज में शिफ्ट हो सकते हैं। तो बच्चों ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के कारण ही पॉसिबल है। अब बच्चों इससे क्या हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या हो जाती है, एक पर्सन की इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में बच्चों, लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता था, गवर्नमेंट में बच्चों जो गवर्नमेंट बोलती थी कि तुम्हें ये खाना है तो तुम्हें यही खाना पड़ेगा, ठीक है, भले तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या ना हो, तुम्हें जो गवर्नमेंट देगी वही खाना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट में आपके पास चॉइस ज़्यादा मिल जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, प्रमोट्स कंज्यूमर सबजिनिटी का मतलब होता है बच्चों फ्रीडम, कंज्यूमर को फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपने अनुसार क्या करे, जो भी चीज़ उसे पसंद है वो अपने अनुसार उस चीज़ को खरीद सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट के कारण ही पॉसिबल है। अब बच्चों इससे लॉसेस क्या होते हैं, देखो जैसे प्राइवेट आती है ना बच्चों, तो प्राइवेट में क्या हो जाता है, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से क्या होता है, काम होता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से क्या होता है बच्चों, काम चलता है। आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या है, मैंने पिछले लेक्चर्स में सारी चीज़ें बता दी हैं। तो बच्चों डिमांड और सप्लाई के कारण कभी कभी क्या हो जाता है, प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बच्चों प्राइस बढ़ते हैं तो बच्चों महंगाई आती है, तो महंगाई आती है ना बच्चों, जैसे पुअर पीपल जो रहते हैं ना बच्चों, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कभी ठीक है, तो पुअर पीपल को क्या करना पड़ता है बच्चों, सफ़र डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब है बच्चों और ज़्यादा पॉवर्टी फेस करना पड़ता है, जहाँ पे उनके पास और खाने के लिए नहीं रहता, पैसे नहीं रहते, तो ये सारी प्रॉब्लम क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है अगर प्राइवेटाइजेशन आ गया तो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये पुअर पीपल को लॉस होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों सिरसिला ट्रेटीजी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टाउन था बच्चों आंध्र प्रदेश में, एक्चुअली मैं इसके बारे में अभी नहीं बताना चाहता, इसके बारे में मैं आपको अगली लेक्चर में बताऊंगा, बहुत छोटी सी रहेगी 5 मिनट की लेक्चर, जिसके बारे में इसके बारे में बताऊंगा, और आपका नवरत्न और आपके महारत्न, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ टर्म्स है जो मैं इसके बारे में वो आपको थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, 5 मिनट की रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी आप इतनी चीज़ जान लो कि प्राइस इससे क्या हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन इंकरेज फ्री फ्लो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाती है, पुअर पीपल को डेप्रीवेशन सफर करना पड़ता है। सेकेंड चीज़ है बताओ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। हाँ बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है ना बच्चों वो और बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाता है, देखो प्राइस जिसके पास पैसा होता है ना बच्चों, तो अपना बिजनेस चला चला के और भी कुछ कर करके ना बच्चों वो और भी रिच बन जाता है। लेकिन जो पुअर रह जाता है ना बच्चों, वो डिमांड एंड सप्लाई के कारण ना क्या हो जाता है, वो और पुअर कहला जाता है। तो ये सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो यही चीज़ थी जो मुझे आप सभी के साथ एक्सप्लेन करनी थी प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब रोल को पावर, पब्लिक की पावर को कम कर देना, प्राइवेट की पावर को बढ़ा देना। दो तरीके से हम कर सकते हैं, पहला तरीका है ये डिसइन्वेस्टमेंट वाला, दूसरा तरीका है हम जॉइंट इंटरप्राइजेस में क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट की ओनरशिप को कम कर देते हैं और प्राइवेट की ओनरशिप को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस को सेल कर देते हैं प्राइवेट इंटरप्राइजेस के, जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। तो दो तरीके से हो सकता है प्राइवेटाइजेशन, इसके फायदे भी डिस्कस करिए, लॉस भी डिस्कस कर लिया, ठीक है बच्चों। तो होपफुली मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, चले बाय, एंजॉय, टेक एंड चीयर्स एवरीवन। आज हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में
जानेंगे जो बेसिकली आपको डाउट में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि महारत्नस, नवरत्नस एंड मिनी रत्नस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पीएसयू क्या होता है। देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर 51 शेयर ऑफ ओनरशिप अगर गवर्नमेंट का है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बेसिकली गवर्नमेंट की होती है, और गवर्नमेंट की तभी होगी जब उस ऑर्गेनाइजेशन का 51 शेयर ऑफ ओनरशिप गवर्नमेंट का हो, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहलाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना, ये बच्चों बहुत सारी होती है। ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर इनमें मतलब गवर्नमेंट की कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी होती है। तो ये जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना, इनको हम ना तीन कैटेगरियों में क्लासिफाई करते हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है ना, उनको हम स्टेटस देते हैं। हम कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कह सकते हैं महारत्नस, नवरत्नस और मिनी रत्नस। जैसे गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज हैं, जैसे IOC है, ठीक है, तो IOC एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो गवर्नमेंट की तरह की कंपनी है। और इस IOC, इसका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन, ओ मतलब ऑयल, सी मतलब कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो इस कंपनी को हमने कहा, एक स्टेटस दे दिया है, इसको हम महारत्नस के अंदर डाल दिया है। वैसे ही गवर्नमेंट्स की और भी कंपनी, जैसे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, वैसे और एक है ONGC, इसका फुल फॉर्म मैं अगर आपको बताऊँ, सो इसका फुल फॉर्म होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज है गवर्नमेंट की, जिसे हम जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक कंपनीज है, इन्हें हम महारत्नस के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, वैसे ही नवरत्नस के अंदर हमने जैसे डाल दिया BPCL, इसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। वैसी IPCL का फुल फॉर्म होगा इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ठीक है, वैसे IOC यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सेल भी आपको बता देता हूँ, मतलब IOC और सेल बच्चों नवरत्नस भी है, महारत्नस भी है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा समझना नहीं है। ठीक है, तो बस आप ये चीज़ याद रख लो कि जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 51 शेयर ऑफ ओनरशिप गवर्नमेंट का है, तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, इसको हम तीन स्टेटस में क्लासिफाई कर देते हैं, महारत्नस, नवरत्नस, मिनी रत्नस। कभी कभी कोई कंपनीज को दो चीज़ एक साथ मिल जाती है, कभी कभी तीन भी मिल सकती है, कभी कभी कोई इसको एक भी मिल सकती है। तो ये जितने भी स्टेटस रहते हैं ना, जो हम स्टेटस में डिवाइड करते हैं कंपनीज, ये उनकी नेटवर्थ, उनकी प्रॉफिट, उनके रेवेन्यू और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के हम क्या करते हैं, कंपनीज को महारत्नस, नवरत्नस और मिनी रत्नस में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो मिनी रत्नस में अभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि ऑफिशियली अभी मैंने देखा, सर्च किया, तो मुझे उतना पता नहीं चला, लेकिन अभी आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको कंसेप्ट के लिए थोड़ा समझ जाना है। अब बच्चा आपको और एक चीज पता होगी, मैंने यहाँ पे आपको सिलसिला स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बताया था, तो अब हम इसे थोड़ा डीप में समझते हैं कि आखिर में ये एक्चुअली में है क्या। देखो, सिलसिला स्ट्रेटेजी, ठीक है, ट्रेजिडी। अब ये जो सिलसिला है ना, ये एक छोटा सा टाउन है आंध्र प्रदेश में, इंडिया के आंध्र प्रदेश के एक छोटे से टाउन टाउन का नाम सिलसिला है। ठीक है, अब ये सिलसिला स्ट्रेटेजी ना बच्चों, ये क्या एक पावर लूम इंडस्ट्री है, मतलब एक पावर लूम इंडस्ट्री के ऊपर ये सिलसिला ट्रेजिडी बेस है। ठीक है, पावर लूम इंडस्ट्री वही कपड़ों से रिलेटेड जो भी चीज है, उसे हम पावर लूम इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो सिलसिला ट्रेजिडी एक क्या है, ये आंध्र प्रदेश के छोटे से, आंध्र प्रदेश में छोटे सा टाउन था जिसका नाम सिलसिला था, अब एक वहां पे एक पावर लूम इंडस्ट्री थी। ठीक है, तो इसके ऊपर ये सिलसिला ट्रेजिडी बना है। देखो, जो सिलसिला जो टाउन था ना आंध्र प्रदेश में, वहां पे ना बहुत बहुत सारे पुअर पीपल थे, बहुत सारे पुअर पीपल थे, और ये जितने भी पुअर पीपल थे ना, ये क्या करते, कहीं ना कहीं ये पावर लूम इंडस्ट्री पे डिपेंड हुआ करते थे। मतलब इनका जो भी खाना पीना, कपड़ा पहनना, रहना, जितना भी चीज था, पैसे इनका, मतलब जहां से भी इनको पैसा मिलता था, वो एक ही जगह से पैसा मिलता था, पावर लूम इंडस्ट्री से। ठीक है, तो ये सारे पीपल बहुत ज्यादा डिपेंड थे पावर लूम इंडस्ट्री में। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे प्राइवेटाइजेशन आ गया,
अब प्राइवेटाइजेशन आ गया ना, तो जो भी पावर सप्लाई, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कोई सप्लाई करता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट सप्लाई करती है, तो वैसे ही एक सिलसिला स्ट्रेटजी में क्या हुआ बच्चों, जो भी पावर सप्लाई था ना, ये एक मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन के बाद एक गवर्नमेंट कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी में बना दिया गया, और फिर क्या कर दिया गया, उस प्राइवेट कंपनी को, जब वो प्राइवेट कंपनी बन गई, तो उस कंपनी बच्चों वो एक पावर सप्लाई कंपनी थी बेसिकली। मतलब वो पावर मतलब ऐसे मैं आपको समझा रहा, देखो पहले गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हो गया तो उसको एक प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों ये जो प्राइवेट कंपनीज थी ना, ये पावर लूम पावर सप्लाई करती थी, पहले तो गवर्नमेंट पावर सप्लाई करती थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन हो गया तो अब प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, पावर सप्लाई करेगी। तो जब पावर सप्लाई की बात आई ना, तो ये क्या करती थी, पावर लूम इंडस्ट्री को भी क्या करती थी, पावर सप्लाई करती थी, जिसके अकॉर्डिंग पावर लूम इंडस्ट्री चलती थी। लेकिन हुआ क्या, जैसी ये जो प्राइवेट कंपनीज पावर सप्लाई करती थी ना, तो उसने सप्लाई तो करती थी, लेकिन सप्लाई जैसी करती थी ना, उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। मतलब ये प्राइवेट कंपनीज ने बोला, भाई अब तो तुम गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, अब तो तुम हमारे प्राइवेटाइजेशन में आ गए हो, अब हम प्राइवेट कंपनीज डिसाइड करेगी कि तुम्हें कितना खर्चा देना पड़ेगा। तो सप्लाई तो करती थी सबको, और बोलती थी कि जैसे हम सप्लाई करेंगे तो उसका हम प्राइस भी, उसका हम खर्चा भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इस बच्चों इससे क्या होने लग गया, जो पावर लूम इंडस्ट्री को ना, क्या इसका रिजल्ट क्या हुआ बेसिकली, इस करने का, इसका इस चीज को करने से जो ये पावर सप्लाई तो हो रहा था, लेकिन अगर उसका खर्चा बढ़ गया तो इससे पावर लूम इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, देखो इससे ना बच्चों पावर लूम इंडस्ट्री ना बहुत उदास हो गई, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास था ना, तो इन्हें खर्चा कम देना पड़ता था, खर्चा कम देना पड़ता था, वो क्या करती थी, आंध्र प्रदेश के जितने भी पुअर पीपल है उनको आराम से क्या करती थी, नौकरी में दे पाती थी। लेकिन जैसे क्या हो गया, जैसे ये प्राइवेट कंपनीज बोल दी कि भाई हम पावर तुम्हें तभी देंगे जब तुम हमें ज़्यादा पैसा दोगी, तो इससे क्या होगा, ये पावर लूम इंडस्ट्री क्या हो गई, बहुत टेंशन में आ गई, तो ये ना घाटे में जाने लगी। तो इसने क्या किया, इसने कॉस्ट को कम करने के लिए, इस कॉस्ट को, प्राइस को कम करने के लिए इसने क्या किया, जितने भी पुअर पीपल यहाँ पे काम कर रहे थे ना, उन्हें क्या कर दिया, हटाने लग गई। क्योंकि देखो जब भी आप कोई भी पुअर पीपल, मतलब जो भी आप अपने वर्कर्स को जब आप हटाओगे, तो उन्हें आपको सैलरी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो पहले आपके पास 5 वर्कर्स थे, ठीक है, आप इन्हें 7,000 रुपये देते हो, अब मान लो इनमें से आपने 3 वर्कर्स को हटा दिया, ठीक है, तो अब सिर्फ आपको 14,000 देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 का तो पैसा आपको बच गया है ना, आप 3 लोग को देना नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ इस कंपनी ने, पावर लूम इंडस्ट्री ने भी क्या किया, खर्चा को कम करने के लिए जितने भी वर्कर्स थे उन लोगों को हटाने लग गए, ठीक है। अब क्योंकि हटाने कम लग गए, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, सैलरी कम देना पड़ेगा, सैलरी या वेजेस कम देना पड़ेगा, सैलरी या वेजेस कम देना पड़ेगा, तो अपने आप कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इससे क्या हो गया बच्चों, इससे क्या हो गया बच्चों, जो भी पुअर पीपल थे, अब आपको मैंने बताया पुअर पीपल क्या थे, सबसे ज्यादा पावर लूम इंडस्ट्री पर डिपेंड करते थे, खाना पीना उनका सब इस इंडस्ट्री का जो पैसा आता था उससे चलता था। अब तो बेचारे लोग हटाते जा रहे हैं, अब क्या करेंगे बेचारे लोग, पुअर पीपल लोग और क्या करेंगे, इनको तो अब पैसा मिलने के लिए और कोई जरिया तो नहीं है। तो ये क्या करने लगे बच्चों, ये सुसाइड करने लगे, ये क्या करने लगे, सुसाइड करने लगे। तो बच्चों यही है सिलसिला स्ट्रेटजी, मतलब सिलसिला स्ट्रेटजी ये बताना चाहती है कि जो भी पावर इंडस्ट्री में जो पीपल काम करते थे ना, तो प्राइवेटाइजेशन आने से क्या हुआ, पावर सप्लाई जो होने लगी वो बहुत महंगी होने लगी। अब महंगी होने लगी तो बेचारी इंडस्ट्री के पास उतना पैसा नहीं था, तो वो क्या करने लगी, अपने वर्कर्स को हटाने लगे। वर्कर्स को हटाने लगे तो वर्कर्स क्या करने लगे, सुसाइड करने लगे। किस इसलिए सुसाइड करने लगे, क्योंकि बेचारे लोग के पास एक ही जरिया था पैसा कमाने का, अब वो उनको भी वहां से हटा दिया जा रहा है, तो उनके पास अब पैसा कमाने की और कोई जगह नहीं थी, तो उसके कारण वो क्या करने लगे, सुसाइड करने लगे, ठीक है। तो बस यही चीज है, अराउंड बच्चों 50 वर्कर्स ने क्या किया, सुसाइड को कमिट किया, ठीक है, उस समय। तो ये इसी के बेस पे बच्चों सिलसिला स्ट्रेटजी हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, चले बाय, एंजॉय, टेक एंड चीयर्स एवरीवन। आज हम लोग जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसके हम कुछ और टर्म्स को आज डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये जो टॉपिक है ना, अगर आपने मेरी पहली वाली चैप्टर्स देखी होगी, तो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। नहीं जानते हो तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में होता क्या था, जो भी इंडिया की इंडस्ट्री थी, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो भी इंडिया की इंडस्ट्री थी ना, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी, उनकी जितनी भी इंडियन इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करती थी फॉरेन कंपनी से, ठीक है, फॉरेन कंपनी से, फॉरेन इंडस्ट्री से क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करती थी, ठीक है। तो ये ऐसे करते क्यों थे, देखो हमारी गवर्नमेंट को पता था कि जो भी हमारी इंडियन इंडस्ट्री है वो बाहर की कंपनीज के लायक, मतलब बाहर की कंपनीज के लायक अपने स्टेटस बना नहीं पा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था बच्चों, बाहर की कंपनीज को अवॉइड कर रही थी कि
कि वो इंडिया में आए और इंडिया में अपना काम करे, क्योंकि अगर बाहर की कंपनीज आ जाती ना तो इंडियन इंडस्ट्री सब बंद हो जाती, ठीक है। क्योंकि हमारी इंडियन इंडस्ट्री के पास क्या था, एक तरीके का पावर नहीं था कि वो फॉरेन कंपनीज के साथ अपना कॉम्पिटिशन कर पाए। इसी के कारण गवर्नमेंट ने हमारी क्या किया, सारी इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने लगी। तो बच्चों जब ये प्रोटेक्ट करने लगी ना, तो ये दो तरीकों से प्रोटेक्ट करने लगी, एक तो होता है टैरिफ बैरियर्स और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब देखो टैरिफ बैरियर्स में क्या करती थी, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, बाहर की कंपनीज इंडिया में ना आए इसके लिए वो क्या करती थी, टैक्स लगा देती थी। वो क्या करती थी, टैक्स लगा देती थी। अब टैक्स ना इम्पोर्ट में, हाँ एक चीज बता दो, इम्पोर्ट में वो क्या करती थी, टैक्स लगा, इम्पोर्ट मतलब होता है बच्चों परचेज करना। देखो अब मेरे को आप बताओ, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया, पता टैरिफ बैरियर्स में उन्होंने ये किया, उन्होंने ये बोला कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज है, अगर उन्हें इंडिया में आके अपना काम करना है या इंडिया में कुछ भी सामान बेचना है, तो उन्हें तब सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स इतना ज्यादा होता था ना, फॉरेन कंपनीज डर जाती थी, उनको पता था अरे यार इंडिया में अगर कुछ भी सामान बेचेंगे या खरीदेंगे या इंडिया में काम करेंगे ना, तो हमें सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसके डर से ना फॉरेन कंपनीज अपने आप इंडिया में आती नहीं थी, जिसके कारण इंडियन इंडस्ट्री अपने आप प्रोटेक्ट हो जाती थी, ठीक है। तो एक तरीका ये था, बैरियर्स ऑन इम्पोर्ट थ्रू हाई इम्पोर्ट टैक्स, ठीक है। इसके कारण ये एक तरीका था गवर्नमेंट का। दूसरा तरीका था नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसमें गवर्नमेंट क्या करती थी बच्चों, इसमें गवर्नमेंट क्वांटिटी के हिसाब से काम करती थी। गवर्नमेंट कहती थी कि जो भी बाहर की कंपनी को अपना सामान बेचना है ना, तो वो सिर्फ एक कुछ मतलब बेसिकली उन्हें ना सिर्फ कुछ कुछ ही कुछ सामान बेचना पड़ेगा, और कुछ भी कुछ सामान जो बेचना पड़ेगा ना, तो उसका खुद बहुत कम क्वांटिटी बेचना पड़ेगा। मतलब वो कहती थी कि भाई अगर बाहर की कंट्री से लैपटॉप आ रहे हैं तो वो सिर्फ 500 आएंगे, उसके ऊपर नहीं आ सकते। बाहर की कंट्री से अगर मोबाइल आ रहे हैं तो सिर्फ वो 100 आएंगे, उसके ऊपर नहीं आ सकते। तो ये था बच्चों एक क्वांटिटी वाला तरीका। इससे क्या हो जाता था, बाहर की कंट्री ज़्यादा सामान बेच नहीं पाती थी, ठीक है। अगर आज आप देखोगे तो आज आप जितना भी, जैसे मान लो आपके आपका कोई लैपटॉप आपको लेना है, मान लो कि एप्पल का ही लेना है, तो आप आज जितना चाहो आप उतना ले सकते हो, ठीक है। बाहर की कंपनी क्या करेगी, जितना चाहे वो लैपटॉप इंडिया में बेच सकती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्वांटिटी वाला सिस्टम बना दिया था, जिससे बाहर की कंपनी ज़्यादा नहीं बेच सकती थी। तो इसके कारण क्या हो गया, अपने आप इंडियन इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो गई। तो देखो क्वांटिटी के हिसाब से क्या करने लगे, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिससे अपने आप इंडियन इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होने लगी। और यहाँ पे बच्चे टैरिफ बैरियर्स वाला मैंने बता दिया, अब मेरे को बायलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है वो बताना है। देखो सबसे पहले तो आप ये जानो ट्रेड मतलब क्या होता है बच्चों। ट्रेड मतलब बाहर की कंट्री से, मतलब ट्रेड मतलब एक्चुअली में अगर आपको माइनर टर्म्स में बताओ तो ट्रेड मतलब होता है कुछ भी चीज़ को खरीदना या कुछ भी चीज़ को बेचना, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, देखो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जब दो कंट्रीज आपस में मिलकर ट्रेड करती है, मतलब सिर्फ दो ही कंट्री, ओके, पहली कंट्री और दूसरी कंट्री, ये जब आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को सामान बेचेंगे और उनसे एक दूसरे से सामान खरीदेंगे, तो बच्चों इसे हम कहते हैं बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने, ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, बस इसे हम कहते हैं बायलेटरल ट्रेड। अब मल्टीलेटरल एग्रीमेंट क्या होता है, देखो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट मतलब जब बहुत सारी कंट्रीज, ठीक है, आपस में एग्रीमेंट बना लेती है और कहती है कि हम सभी आपस में एक दूसरे से सामान खरीदेंगे और एक दूसरे को सामान बेचेंगे, उसे हम कहते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है एग्रीमेंट अमंग मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्री के साथ एग्रीमेंट, उसे हम कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो होपफुली आपने अभी समझ लिया होगा बायलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का। अब बच्चों मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर ये हालांकि मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का टॉपिक है, और इसकी पूरी आपको लेक्चर्स चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का मतलब जानने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ तीन वर्ड्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। इनमें से आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आप सभी के साथ और एक बार शेयर करना चाहता हूँ। देखो सबसे पहला है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है खरीदना और बेचना, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग, देखो आउटसोर्सिंग के अंदर बच्चों केपीओ भी आता है, बीपीओ भी आता है, ये मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ा चुका है। इस टॉपिक की भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब
आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, देखो जब आपकी कंट्री, जब कोई और कंट्री से अपना काम करवाती है देन दैट इज़ कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। जैसे सपोज करना कि कभी कभी इंडिया क्या, इंडिया वाले क्या करते हैं, अपना काम भारत की कंट्री को दे देते हैं, ठीक है, और भारत की कंट्री को बोलते हैं कि भाई तुम हमारा काम कर दो, उसके बदले हम तुम्हें पैसे दे देंगे। वैसे कभी कभी क्या होता है, अमेरिका वाले क्या करते हैं, इंडिया में इंडिया वालों को बोलते हैं कि देखो भाई ये हमारी कंपनी का अकाउंट्स है, ये तुम बना लेना। तो अमेरिका वाले इंडिया वालों को बोलते हैं कि तुम हमारी कंपनी का अकाउंट बना देना, उसके बदले हम तुम्हें पैसा देंगे। तो अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, कोई और कंट्रीज़ मतलब इंडिया को क्या कर रहे हैं, काम दे रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग करना, ठीक है। हालांकि इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया है, नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिलेगी, आप वहाँ से अच्छे से समझ लेना। अब आता है FDI और FII। देखो FDI का और FII का, इसका भी टॉपिक मैंने पहले आप सभी के साथ डिस्कस करा, लेकिन मैं और एक बार बता दूँ शॉर्ट में FDI का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, इसका मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जब बाहर की कंट्री की कोई भी कंपनी जब आपकी कंट्री में आके अपना बिजनेस चलाती है देन दैट इज़ कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे एग्जांपल दो, अमेरिका की फोर्ड है, ठीक है, फोर्ड कंपनी अमेरिका की है, तो फोर्ड ने क्या किया, इंडिया में अपना प्लांट लगाया है। वहाँ पे क्या होता है, इंडिया में मतलब इंडिया में उनका फोर्ड कंपनी का एक प्लांट लगा है जहाँ पे कार बनती है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो बच्चों, अब बाहर की कंपनी जब आपके यहाँ पे काम करेगी तो उसके बदले आपकी कंट्री को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा एज अ टैक्स, ठीक है। तो बाहर की कंपनी आपको टैक्स के लिए एज अ पैसा देगी, तो आप तो ये क्या हो जाता है, आपके लिए इनकम हो जाती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, एक तरीके के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों आपने क्लास 11th में ADR पढ़ा होगा, GDR पढ़ा होगा, IDR, तो बच्चों ये वैसा ही है। हम क्या करते हैं, बाहर की कंट्रीज़ आपकी कंट्री में क्या करती है, आपकी कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं, बिजनेस चल रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें क्या करती है, पैसा लगाती है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स खरीद के। तो इसे हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया है, ठीक है। तो बच्चों अब तो हमने तीन तीन चीज़ों को अच्छे से जान लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ग्लोबलाइजेशन का मतलब। अब देखना, सपोज करना ये आपकी कंट्री है और ये बाकी अदर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो जब बाहर की कंट्रीज़ के साथ आपकी कंट्री जब बाहर की कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाती है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। सर रिलेशन बनाना मतलब, देखो बच्चों रिलेशन बनाना ना, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे करना ट्रेडिंग, आपकी कंट्री क्या करेगी, बाहर की कंट्री के साथ उनका सामान लेगी, अपना सामान बेचेगी, तो आपस में हम दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशन बन गया। तो इस रिलेशन को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वैसे ही मान लो कि हम लोग ने क्या किया, इस वाली कंट्री को कहा कि भाई हम तुम्हारा काम कर देंगे, ठीक है, इसके बदले ये वाली कंट्री हमें पैसा देगी, तो ये क्या हो गया, हम दोनों के बीच में वापस एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगेन ग्लोबलाइजेशन हो गया। वैसे ही मान लो कि कोई और कंट्री आके आपकी कंट्री में पैसा लगा रही है, ठीक है, या कोई कंट्री आपकी आके आपकी मतलब कोई और कंट्री आपकी कंट्री में आके अपनी कंपनी को चला रही है, बिजनेस को चला रही है, तो क्या हो जाएगा, हम दोनों के बीच में वापस से रिलेशन बन गया। तो जब भी हर कंट्री जब भी कोई एक कंट्री या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में बच्चों जब रिलेशन बनता है ना, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों हिंदी में, मैंने आपको मतलब समझा दिया, ठीक है। अब इसको समझते हैं अंग्रेजी में। देखो इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ना, इकोनॉमिक्स ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमिक्स ऑफ अदर कंट्री, सेम चीज़ है। मतलब जब एक कंट्री बाकी कंट्री के साथ जुड़ती है आपस में, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग का मतलब लिख लो बच्चों, रिलेशन बनाना, ठीक है, रिलेशन। तो जब रिलेशन बनाती है एक कंट्री और कोई और बाकी कंट्रीज के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। सेम मतलब है, इसको मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होपफुली आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इंडिया के बारे में बताता हूँ। देखो इंडिया में क्या होता था, 1991 के पहले इंडिया में क्या होता था, हम बाहर की कंट्रीज़ के साथ हम क्या करते थे, बाहर की कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते थे, बाहर की कंट्री के साथ बच्चों कोई रिलेशन नहीं रखते थे, ठीक है। तो हम इंडिया में क्या था, पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जैसे एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई
जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी है ना, तो इसमें हमने क्या किया, हमने बाहर की कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाना चालू कर दिया। अब आप सभी को पता है कि रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, बहुत और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने तीन ही लिखे हैं, ठीक है। तो ये होता है बच्चों ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे 1991 की पॉलिसी आई, तो हम लोग ने क्या किया बच्चों, आपस में हर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों ग्लोबलाइजेशन, और आपने इंडिया के बारे में भी समझ लिया। अब बच्चों यहाँ पे मुझे आप सभी के साथ और एक बातें शेयर करनी है, WTO। बच्चों WTO ना बच्चों प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में WTO बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे मान लो कि फुटबॉल, फुटबॉल गेम आप सभी ने खेला होगा, है ना, फुटबॉल गेम। अब बच्चों फुटबॉल गेम खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, बॉल चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए बच्चों, बॉल चाहिए। तो जब तक बॉल नहीं होगी तब तक आप फुटबॉल गेम नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही जब तक आप, वैसे ही बच्चों जब तक WTO नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे, अच्छे से ग्लोबलाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ है, WTO प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों WTO क्या करता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। अब ये कैसे करता है, देखो ये तीन तरीके से करता है, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, जो आपने पिछली लेक्चर्स में पढ़ के रखा है, ठीक है। इसकी भी लिंक आप सभी को, मैंने कहा कि प्लेलिस्ट में सारी लिंक मिल जाएगी। वैसे फोकस ऑन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट। अब बच्चों WTO का जो टॉपिक है ना, इसे भी मैंने आपको पिछली लेक्चर क्लास 11th में पढ़ा चुका है। इसकी भी लिंक और आउटसोर्सिंग की लिंक, दोनों की लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप इजीली समझ जाओगे वहाँ से WTO क्या करता है, ठीक है। वैसे ही बायलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ के रखा है, ठीक है। तो ये आप आराम से कर लेना, क्योंकि अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, और हालांकि इतना टॉपिक का बच्चों एक्चुअली में अभी कोई मतलब ज़्यादा है नहीं ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी आपने जो ऊपर ग्लोबलाइजेशन की मैंने मीनिंग और हिंदी में समझाया, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है वो आपको जानना ज़रूरी था, तो मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। इसके बारे में तो होपफुली आपने पूरी पूरी, आपको लिंक नीचे वाली लिंक से समझ में आ जाएगा, और मैंने ये दो के बारे में आपको पहले ही बता चुका है। अब बच्चों यहाँ पे एक हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, जिसका नाम है पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को कैसे लाया, कैसे प्रमोट किया, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो अभी मैंने आपको बताया FDI और FII का मतलब, यहाँ पे मैंने अभी आपको बता दिया था। तो बच्चों होने क्या लगा, जब बाहर की कंट्री के कंपनीज और इंडिविजुअल जब इंडिया कंट्री में इन्वेस्ट करना चालू कर दिए, तो आपस में क्या बनते गया, हम सभी के साथ रिलेशन बनता चालू हो गया। तो अपने आप इंडिया में क्या हो गया बच्चों, ग्लोबलाइजेशन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट का यही है, और टॉपिक हम लोग को ये इसमें ये पढ़ना है कि कैसे इंडिया ग्लोबलाइजेशन किया। तो जैसे ही हम बाहर की कंट्री को हमने बोला कि तुम हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो अपने आप क्या हो गया, बाहर की कंट्री और हमारे बीच में इन्वेस्टमेंट एक रिलेशन बन गया, और अपने आप ग्लोबलाइजेशन आ गया। अब बच्चों अगला पॉइंट है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। अब बच्चों इसका मतलब आपको समझना है, इसका मतलब ये है, देखो हम क्या करने लगे बच्चों, आपने फॉरेन एक्सचेंज वाला एक चैप्टर पढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज, उसमें क्या होता था, हर कंट्री अपनी अपनी करेंसी को आपस में एक्सचेंज करती थी, ठीक है। तो उसे हम कहते थे फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये होता है, हर कंट्री ना अपनी अपनी करेंसी आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने लगी। कैसे करने लगी, वो तीन तरीक़ों से करने लगी। सबसे पहला है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप बच्चों देखो मान लो इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, जब बाहर की कंट्री से आप सामान मंगाओगे, ठीक है, तो उसके बदले आप क्या दोगे, उन्हें पैसा दोगे। तो आपस में हम दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशन बन गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है। सेकंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब होता है जब आपकी कंट्री बाहर की कंट्री को सामान बेचती है, उसके बदले बाहर की कंट्री आपको पैसा देगी, अपने आप दोनों के बीच में रिलेशन हो गया कंट्रीज़ में, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट पेड एंड रिसीव्ड। हाँ देखो सबसे पहले तो बच्चों जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कहीं भी जगह, तो उसके बदले में जैसे उससे फ़ायदा होता है ना, तो वो फ़ायदे की पैसा जो हमें मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो जैसे ही बाहर की कंट्रीज़
बाहर की कंट्रीज़ आपकी कंट्री पे इन्वेस्टमेंट कर रही थी, वैसे ही इंडिया भी बाहर की कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो आपस में हम दोनों को क्या मिलता है, प्रॉफिट का पैसा मिलता है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो आपस में हम दोनों में क्या हो जाता है, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपस में हम दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है, तो अगेन ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। देखो सबसे पहले तो बच्चों रेमिटेंस का मतलब जानो। देखो रेमिटेंस का मतलब होता है कि जब आपकी कंट्री, मान लो कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो भी पीपल है, इंडिया का जो भी पर्सन है, ये बाहर की कंट्री में काम करता है, ठीक है, तो बच्चों जैसे ही बाहर की कंट्री में काम करता है ना, तो बाहर की कंट्री इसको पैसा देती है, तो बच्चों ये जो बंदा है ना क्या करता है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए ना क्या करता है, अपनी कंट्री में पैसा भेजता है, उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। तो बच्चों जब आप कोई और कंट्रीज़ में काम करोगे, मतलब मान लो इंडिया के आप इंडियन हो और आप काम कर रहे हो यूएसए में, आप काम कर रहे हो जापान में, तो उसके पहले जापान या यूएसए आपको क्या देगा, पैसा देगा, आप क्योंकि वहाँ पे जॉब करते हो, है ना, तो आप क्या करते हो अपनी फैमिली के लिए भी पैसा भेज देते हो। तो आप भी देखोगे तो आपस में हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशन बन रहा है, तो अपने आप ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब बच्चों ये होता है। अब आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, जैसे 1991 के पहले क्या होता था, हमारे पास लिबरल पॉलिसी नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई ग्लोबलाइजेशन वाली, तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास लिबरल पॉलिसी आ गई। अब यहाँ पे होता क्या था, हमने ना इंडिया ने क्या किया, बाहर की कंट्रीज़ को बोला कि भाई अब तुम जो हमारी कंट्रीज़ में भी आके अपना अपना सामान बेच सकते हो और ख़रीद सकते हो। मतलब देखो जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था ना, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तब क्या होता था, इंडिया क्या करता था, बाहर की कंट्रीज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है, तो ना बाहर की कंट्री अपना सामान बेचती थी, ना इंडिया बाहर की कंट्री को सामान बेचता था, बेचता भी था तो बहुत कम, बहुत कम, ठीक है, और इंडिया लेता भी था तो बहुत कम, बेचता लेता था बहुत कम जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था। लेकिन बच्चों जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आ गया ना, तो हम इंडिया क्या करने लगा, बाहर की कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाने लगा। ठीक है, तो बच्चे इसे हम कहते हैं लिबरल पॉलिसी। लिबरल पॉलिसी मतलब जब हम जैसी ग्लोबलाइजेशन आई, तो इंडिया क्या किया, सब कंट्रीज़ को बोला कि भाई अब तुम भी हमारे हमारी कंट्री में ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब हमारी कंट्री में सामान बेच सकते हो, या फिर अपनी हम आपकी कंट्री में सामान क्या कर सकते हैं, आपकी कंट्री का सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिबरल पॉलिसी कहते हैं। तो बच्चों जो फॉरेन ट्रेड था, मतलब बाहर की कंट्री से सामान खरीदना या बेचना, फॉरेन ट्रेड, वो क्या हो गया बच्चों, ख़त्म हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, हर कंट्रीज़ आपस में अपना अपना सामान को क्या करने लगी, इंडिया के साथ बेचने लगी, खरीदने लगी। तो ऐसे क्या हुआ, हर कंट्रीज़ में इंडिया के साथ रिलेशन बन गया, तो अपने आप ग्लोबलाइजेशन आ गया। थर्ड है रिडक्शन इन टैरिफ। बच्चों टैरिफ का मतलब आपने पहले जान चुका है, टैक्स। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, हम लोग ने क्या किया, आपको वैसे ये तो छोड़ो, आप सभी को पता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो उन्होंने पिछली लेक्चर्स में, पिछले सॉरी चैप्टर्स में पढ़ के रखा है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, इंडिया क्या करता था बच्चों, बाहर की कंट्रीज़ को आने नहीं देता था, इंडिया क्या करता था, बाहर की कंट्रीज़ को अपने इंडिया में आने नहीं देता था। वो बोलता था कि भाई, इंडिया वाला बोलता था कि अगर बाहर की कंट्री, इंडिया वाला सोचता था कि बाहर की कंट्री अगर आ गई, ठीक है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ बच्चों बहुत पावरफुल हुआ करती थी, ठीक है, तो इंडिया क्या करता था, इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की कंट्री को ना इंडिया में आने के लिए क्या करता था, रिस्ट्रिक्शन लगा देता था। ठीक है, तो वो क्या करता था बच्चों, कभी कभी ना टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देता था। वो बोलता था कि जो भी कंट्री इंडिया में आएगी उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स इतना ज़्यादा होता था कि हर बाहर की कंट्री भी सोचती थी, नहीं यार इंडिया में ट्रेड करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा एज अ टैक्स इंडिया को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही एक वजह थी जिसके कारण बाहर की कंट्रीज़ भी क्या करती थी, इंडिया में नहीं आती थी। ठीक है, तो क्या हो गया, फिर जैसी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई, ठीक है, तो जैसी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई, तो इससे क्या हो गया, इंडिया ने क्या किया, ये जो टैरिफ का रिडक्शन इन टैरिफ, उसने क्या किया, टैक्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब जैसे टैक्स कम हो गया, तो बाहर की कंट्रीज़ आने लगी। अब यहाँ पे क्या होने लग गया बच्चों, जैसी ग्लोबलाइजेशन नहीं था 1991 के पहले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था बच्चों, हर इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज थी ना, वो क्या थी, कंपटीशन नहीं करती थी, वो क्या करती थी, कंपटीशन नहीं करती थी। लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन आ गया ना, तो बच्चों क्या किया, क्या हो गया, हर इंडिया की इंडस्ट्री को बाहर की इंडस्ट्री के साथ लड़ना पड़ा। ठीक है, एक तरीके से कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, तो वही है, तो इंडिया चाहती थी कि इनकरेज कॉम्पिटिशन बाय विड्रॉइंग बैरियर्स ऑन ट्रेड। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे ही टैक्स कम हो गया तो क्या हो गया, ट्रेडिंग करना चालू हो गया, जैसे ट्रेडिंग करना चालू हो गया, रिलेशन बन गया और अपने आप ग्लोबलाइजेशन आ गया। अब क्या था बच्चों, विड्रॉल ऑफ अ क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो
ग्लोबलाइजेशन के पहले मैंने अभी आपको बताया, ग्लोबलाइजेशन जब नहीं था तो इंडिया क्या करती थी, बाहर की कंट्रीज के साथ रिलेशन नहीं करता था, वो सामान अपना बेचती थी और उनसे बाहर की कंट्री से खरीदती थी बहुत कम। ठीक है, इंडिया क्या करती थी, एक क्वांटिटी डिसाइड करती थी कि भाई हम इतना इसके ऊपर सामान खरीदेंगे नहीं, इससे ऊपर सामान बाहर की कंट्री से खरीदेंगे नहीं, ना इससे ऊपर सामान हम बाहर की कंट्री को बेचेंगे। तो वो क्या कर देती थी, क्वांटिटी डिसाइड कर देती थी। ठीक है, और वो क्वांटिटी बहुत कम होती थी। इंडिया चाहता था कि वो बाहर की कंट्री के साथ ज़्यादा कोई रिलेशन ना बनाए, तो वो क्या करता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे राइस हो गया, अगर ज़रूरी बाहर की कंट्री से अगर राइस चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है राइस, तो वो क्या करता था कि बोलता था बस बाहर की कंट्री से हम राइस मंगाएंगे, जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, बस वही मंगाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, ज़्यादा रिलेशन बनना चालू नहीं हुआ कोई भी कंट्रीज़ के साथ। जैसे लेकिन ग्लोबलाइजेशन आ गया, अपने आप ये जो क्वांटिटी वाला जो टर्म है ये हट गया, और अब क्या, इंडिया ने बोला कि भाई अब जो भी कंट्री जितना चाहे उतना इंडिया में सामान बेच सकता है, और इंडिया जितना चाहे बाहर की कंट्री को सामान, मतलब इंडिया ने ये कहना चालू कर दिया कि हम बाहर की कंट्री को कितना भी सामान बेच सकते हैं, वैसे ही बाहर की कंट्री इंडिया में कितना भी सामान बेच सकती है, नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अब क्या हो गया, बाहर की कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशन हमारा बनना चालू हो गया, तो अपने आप बच्चों ग्लोबलाइजेशन आ गया। तो यही है विदड्रॉल ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब। ठीक है, तो होपफुली आपने आज ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझ लिया होगा। ठीक है, तो आज मैं क्या करूँगा, आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है सबसे पहले। ठीक है, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। अब मैं आपको आउटसोर्सिंग की लिंक नीचे डाल दूंगा, कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में वैसे ही इसकी भी लिंक आपको बच्चों पहले वाले पार्ट में मिल जाएगी, और इनकी सारी की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको वही कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। WTO का जो टॉपिक है ये भी मैं कमेंट बॉक्स और उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आपने आज समझ लिया होगा, और आप सभी से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। अब यहाँ पे इस टॉपिक में हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। देखो, आप सभी को पता है 1991 में हमारे पास NEP मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे LPG। ठीक है, तो ये जो L मतलब है लिबरलाइजेशन, P मतलब है प्राइवेटाइजेशन, G मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो LPG जो तीन पॉलिसीज हैं ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आती है, जो गवर्नमेंट ने 1991 में स्टार्ट किया था। तो इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि ये LPG जब पॉलिसी आई तो इससे हमें क्या मेरिट मतलब क्या फ़ायदे हुए, इसके क्या डीमेरिट मतलब क्या नुकसान हुए, तो हमें इस टॉपिक में वो पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेरिट्स के बारे में, हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ। LPG पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने 1991 में लाया उससे हमें फ़ायदे क्या हुई। तो सबसे पहला है अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। अब देखो इसे ना, मैं अगर आप सभी को बताऊं सो ये जो सबसे पहले चैप्टर में टेलर्स इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में मैंने आपको समझाया था कि हर कंट्री में ना उनकी एक इकोनॉमिक होती है। तो हर कंट्री में चार तरीके की इकोनॉमी हो सकती है, जैसे बैकवर्ड इकोनॉमिक, डेवलपिंग इकोनॉमी, वाइब्रेंट इकोनॉमिक, स्टैग्नेंट या फिर लॉपसाइडेड इकोनॉमी। ठीक है, तो हर कंट्री में चार तरीके की इकोनॉमिक हो सकती है। जैसे इंडिया में क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, वैसे ही USA जापान में क्या है, वाइब्रेंट इकोनॉमी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ याद रखना है, जो भी कंट्री में बैकवर्ड इकोनॉमी है मतलब वो कंट्री सबसे बेकार है, इसलिए मैंने उससे सिर्फ 1 स्टार दिया है। ठीक है, और जो कंट्री में स्टैग्नेंट या फिर लॉपसाइडेड इकोनॉमी है वो क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमिक से थोड़ी अच्छी इकोनॉमी होती है, तो उसे मैंने 2nd स्टार दिया है। वैसे ही जिस कंट्री में डेवलपिंग इकोनॉमी है तो वो क्या है, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट से भी अच्छी इकोनॉमिक होती है, डेवलपिंग इकोनॉमिक जिसे कहते हैं, इसलिए मैंने उसे 3 स्टार दिया है। और जो इकोनॉमिक जिस कंट्री में वाइब्रेंट इकोनॉमिक होती है वो इकोनॉमिक सबसे अच्छी होती है, इसलिए मैंने उसे 4 स्टार दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे ही ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो ना कहीं जो इंडिया था ना वो डेवलपिंग इकोनॉमिक से था वाइब्रेंट इकोनॉमिक में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो डेवलपिंग इकोनॉमिक से वाइब्रेंट इकोनॉमिक में कन्वर्ट हो रहा था, तो इससे क्या हो गया था, जो इंडिया का इकोनॉमी ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा था, इंडिया का GDP ग्रोथ बढ़ रहा था। GDP ग्रोथ बढ़ रहा था मतलब इंडिया में पैसा ज़्यादा आ रहा था,
और मैं आपको बता दूं, जैसे ये पॉलिसी आया ना, तो जीडीपी 8% पर एनम के हिसाब से बढ़ने लगा, तो ये एक सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी बस आप छोरे देख ले, याद रख लो कि जीडीपी मतलब होता है कि पैसा बढ़ना। इसका जीडीपी का मतलब मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा इसी लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए बस समझ लो इससे क्या होता है, कंट्री के पास पैसा ज्यादा आता है। सेकेंड पॉइंट है स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इससे क्या होने लगा, जो भी इंडस्ट्री है ना, उसका उसका क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। मतलब जो भी इंडस्ट्री इंडिया में थी, उन सभी का प्रोडक्शन क्या होना, इस पॉलिसी के कारण क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। अब जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, तो अपने आप वो प्रोडक्शन का जो भी सामान था वो मार्केट में जाता था, उससे प्रॉफिट आता था, तो हमारी इंडस्ट्री और ग्रोथ करती थी। ठीक है, स्पेशली इंडिया में क्या होने लगा, आईटी इंडस्ट्री जो भी होने लगी ना, उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने लगा। मतलब उसे जो भी हमारे इंडिया में आईटी इंडस्ट्री थी ना, उन्हें मतलब पूरे दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमारी इंडिया के आईटी इंडस्ट्री को जानने लगे। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा फायदा हो गया इस पॉलिसी के कारण, एलपीजी पॉलिसी के कारण। थर्ड पॉइंट है चेक ऑन अ फिस्कल डेफिसिट। देखो, जो हम लोग ने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो चैप्टर था, जब उसमें हम लोग ने पढ़ा, तो हम लोग ने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट होता है, ठीक है, तो आप सभी को पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में लेफ्ट तरफ क्रेडिट आता है, राइट तरफ डेबिट आता है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव बैलेंस भी आ सकता है, नेगेटिव बैलेंस आता है। पॉजिटिव आता है तो अच्छा, लेकिन नेगेटिव आता है तो बुरा। लेकिन हमारा जो इंडिया में ना अक्सर बीओपी का अभी भी बैलेंस क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि बैलेंस बिफोर पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी एलपीजी पॉलिसी के पहले जो हमारा बैलेंस आता था ना, 8.5% हाई, इतना ज्यादा आता था। लेकिन जैसी एलपीजी पॉलिसी आ गई, तो बैलेंस आफ्टर पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी के आने के बाद जो हमारा जो बैलेंस आता था, वो नेगेटिव तो आता था, लेकिन वो सिर्फ 4% हाई दिखाता था। मतलब पहले हमें ज्यादा घाटा होता था, लेकिन अभी क्या होने लगा, कम 4% हो गया। मतलब घाटा हमें अब कम होने लगा, आखिर नेगेटिव तो आता ही था, लेकिन पहले के हिसाब से अभी कम आता था। ठीक है, तो एक तरीके का ये क्या हो गया, हमारे लिए फायदा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक तरीके का बेनिफिट हो गया, तो ये एलपीजी के कारण हुआ। अब है अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। सबसे पहले तो इसका मतलब जानो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखना अपनी जीवन भर में, हर कंट्री में ना जैसी महंगाई बढ़ती है, ठीक है, और महंगाई जैसी कम होती है, तो बच्चों ये दोनों अच्छी बात है। लेकिन इंडिया में एक्चुअली में क्या होता था, इस पॉलिसी के पहले, एलपीजी पॉलिसी के पहले होता ये था कि वहां पे सिर्फ महंगाई बढ़ती ही रहती थी, कम नहीं होती थी। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। देखो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, हमारा मूड कैसा है, कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम दुखी रहते हैं। ठीक है, तो हमारा मूड भी ऐसा ही है, कभी खुशी कभी गम वाला है। ठीक है, तो वही चीज़ एक कंट्री के लिए भी होता है। कंट्री में कभी कभी खुशी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब महंगाई कम हो जाती है, कभी कभी एक कंट्री में दुख बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे ये एक तरीके का कॉमन चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो, महंगाई कभी बढ़ती है कम होती है, 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 तो ऐसे बढ़ती कम होता रहता है। ठीक है, हर कंट्री के लिए, तो ये एक तरीके की अच्छी बात होती है। ठीक है, कंट्री में सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ती ही जा रहा है तो बेकार बात है। एक कंट्री में अगर हर चीज़ बहुत सस्ती भी होती जा रही है, तो वो भी एक बेकार बात होती है ना। तो एक कंट्री में हमेशा इन्फ्लेशन होना चाहिए, फिर कम भी होना चाहिए, बढ़ना भी चाहिए कम भी होना चाहिए, तो वो एक कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे हमारे यहाँ पे पेशेंट्स, जैसे हॉस्पिटल में आप देखते होंगे पेशेंट्स, ठीक है, तो पेशेंट्स में आप जो भी हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट होते हैं ना, बीमार लोग, तो उनको जब आप देखना, उनका जो मॉनिटर है ना, वो हमेशा ऐसे 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 करके अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके दिखाता है। उसका मतलब यह है कि वो पर्सन क्या है, जिंदा है। ठीक है, और आप देखना, अगर वो मॉनिटर सिर्फ ऐसे दिखाएगा ना, मतलब वो पर्सन मर गया। ठीक है, तो हर कंट्री की भी जो इकोनॉमी होती है, वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती रहती है। तो इसका मतलब यह है कि वो कंट्री अच्छे से चल रही है ना। अगर कंट्री सिर्फ ऐसे ही जाएगी, मतलब वो कंट्री क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, मतलब वो कंट्री बहुत बेकार है ना। तो इसलिए अप डाउन हमेशा इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। तो एलपीजी के कारण ये चीज़ पॉसिबल थी। एलपीजी के पहले क्या हो रहा था, सिर्फ बढ़ रहा था इन्फ्लेशन, कम तो होता ही नहीं था। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया, बढ़ना ही प्रॉब्लम है, अगर कम भी हो रहा है तो वो भी प्रॉब्लम, दोनों होना चाहिए, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये एलपीजी के कारण हुआ। फिफ्थ पॉइंट है कंज्यूमर सवर्जिनिटी। अब जो सवर्जिनिटी का मतलब होता है फ्रीडम या फिर चॉइस। देखो,
एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पहले होता क्या था, आप जो कस्टमर्स या आप जो कंज्यूमर या कस्टमर्स होते थे ना, इस पॉलिसी के पहले क्या करते थे, आपके पास फ्रीडम या चॉइस हुआ नहीं करती थी। मतलब जो गवर्नमेंट, जो भी इंडिया की इंडस्ट्री आपको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, आपको वही लेना पड़ता था, ठीक है। तो आपके पास कोई वैरायटी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही एलपीजी पॉलिसी आ गई, तो बाहर की बहुत सारी कंपनीज भी आ गई, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए बाहर की कंट्री को आने के लिए, वो सारी कंट्रीज आ गई। तब होने क्या लगा बच्चों, आपके पास फ्रीडम या फिर चॉइस आ गई, ठीक है। आप क्या कर, आपके पास क्या आ गई, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारे आ गए, जिसके कारण आपको वैरायटी भी बहुत मिल गई। जैसे जैसे जब एलपीजी पॉलिसी नहीं थी, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी के पहले होता क्या था, आपको पता है, आपकी कंट्री में एम्बेसडर जैसी गाड़ी बहुत चला करती थी, है ना। हर बंदा एम्बेसडर वाली जो कार होती थी उसको चलाता था, है ना, क्योंकि आपके पास क्या थी, चॉइस बहुत कम थी, जिसके कारण आपको सिर्फ वही गाड़ी चलानी पड़ती थी, वो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था। लेकिन जैसे ही एलपीजी पॉलिसी आ गई, तो आपके पास फ्रीडम आ गया, चॉइस आ गया, ठीक है। अब आपको पता है, आपके पास आज इंडिया में इतनी सारी कंपनीज है, आप जैसे फिएट से ले सकते हो, ठीक है, आप स्कॉडा ले सकते हो, आप हुंडई ले सकते हो, आप फोर्ड ले सकते हो, आप बीएमडब्ल्यू ले सकते हो, ऑडी ले सकते हो, लैम्बोर्गिनी ले सकते हो, बुकाटी ले सकते हो, कितनी सारी कार है, मतलब आपके पास कितनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज है और कितनी सारी वैरायटी आपके पास कार की, है ना। तो यही एक चीज़ फायदा हो गया हर कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को, कि उनको अब फ्रीडम मिल गया और वो अपने हिसाब से चॉइस करने लगे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें पसंद है तो वो उनके हिसाब से वो चीज़ खरीद सकते थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ा फायदा है। तो कंज्यूमर सबजिटी का मतलब होता है फ्रीडम या फिर चॉइस। सिक्स फायदा जो हमें हुआ, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हाँ, इंडिया में क्या होने लगा, एलपीजी आने से फॉरेन रिजर्व बढ़ने लगा। अब कैसे बढ़ने लगा, देखो, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी आई ना, तो होने क्या लग गया, जो भी आपको पता है कि एलपीजी पॉलिसी के पहले ना हम बाहर की कंट्री से ज़्यादा कांटेक्ट करते थे, ना बाहर की कंट्री हमसे कांटेक्ट रखती थी। लेकिन एलपीजी पॉलिसी आ गई, तो हम क्या करने लगे, बाहर की कंट्री से भी सामान या उनकी सर्विस लेने लगे, बाहर की कंट्री भी इंडिया से सामान या खरीदने लगी या फिर उन्हें बेचने लगी। तो वैसे ही जब एलपीजी पॉलिसी नहीं हुआ करती थी ना, तो कोई भी बाहर हम ना कि कोई भी इंडिया का जो भी इन्वेस्टर था ना, बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता था, ना कि बाहर की कंट्री के कोई भी इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन जैसे एलपीजी पॉलिसी आ गई ना, तो बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करने लगे, इंडियन मार्केट में क्या करने लगे, इन्वेस्ट करने लगे। अब इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, तो मार्केट क्या होने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा तो इंडिया के पास पैसा आने लग गया, पैसे आने लग गया तो अपने आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अपने आप बढ़ने लग गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया एलपीजी पॉलिसी के कारण। अब सेवन पॉइंट है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बच्चों, प्राइवेट सेक्टर के कारण ना हमारा इन्वेस्टमेंट भी क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, हमें प्राइवेट के कारण बहुत फायदा हो गया। देखो इससे मैं आपको समझाता हूं। देखो बिफोर एलपीजी, आप सभी को पता है एलपीजी पॉलिसी के पहले होता क्या था, सारी पावर एक्चुअली में गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा कोई रोल हुआ नहीं करता था, जो भी था वो गवर्नमेंट के हाथ में था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में होता क्या था, आधे से ज़्यादा जितनी भी कंपनीज थी वो क्या होती थी, लॉस में जाती थी, सरप्लस कोई बचता नहीं था, ठीक है, सरप्लस बचता नहीं था री इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा हमारे पास होता नहीं था। सेकेंड चीज, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी पुरानी थी, है ना, क्योंकि ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें प्रॉब्लम्स थी ना, ये इंडिया में थी, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी के पहले। लेकिन होने क्या लग गया, अब होने क्या लग गया, जैसे एलपीजी पॉलिसी आई, ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये सॉल्व कैसे हो गई, देखो इसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है, एक स्नैपडील कंपनी है, ठीक है, और अमेरिका में क्या है, अमेजन कंपनी है, ठीक है। आप सभी इन दोनों कंपनी से जानते, आप सभी जानते हैं ये ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है। अब क्या होता था, देखो ये दोनों क्या है, प्राइवेट कंपनीज हैं, ये क्या है, प्राइवेट कंपनीज हैं। अब देखो जैसे अमेजन, ठीक है, अमेजन कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी निकालता था, ठीक है, तो वो स्नैपडील को भी पता चल जाता था कि भाई अमेजन ने ये वाली टेक्नोलॉजी लाई है, तो स्नैपडील भी बोलता था कि नहीं यार, अमेजन ने जैसी टेक्नोलॉजी अच्छी वाली लाई है, वो टेक्नोलॉजी मैं भी अपनी कंपनी में लाऊंगा, ठीक है। वैसे जैसे अगर मान लो स्नैपडील वाला अच्छी कोई चीज़ लाता था, तो अमेजन को पता चल जाता, तो अमेजन वो चीज़ करने लगता था। तो ये क्या करने लगते थे, आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करके अपनी अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाने लग जाते थे, ठीक है। अब देखो जैसे ही अब प्रॉफिट इनकी कंपनी में आता था, अब ये प्रॉफिट क्या होता था,
गवर्नमेंट क्या करती थी, इनका प्रॉफिट एज अ टैक्स अपने पास रख लेती थी। गवर्नमेंट क्या करती थी, इनके प्रॉफिट में टैक्स लगाती है, ठीक है। जैसे अमेरिका में क्या होता था, अमेरिका में ऐसा है कि जो भी कंपनीज प्रॉफिट कमाती है उसका 50% एज अ टैक्स यूएसए गवर्नमेंट ले लेती है। तो जो बंदा 1000 करोड़ रुपीज कमाएगा, ठीक है, उसका 500 करोड़ गवर्नमेंट ले लेगी, 500 करोड़ कंपनी को मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसे देखो, इससे एक कंट्री को भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे इंडिया में भी जो प्रॉफिट आता था ना, तो हमारी भी गवर्नमेंट क्या लेती है, उस प्रॉफिट में टैक्स लेती है। अब वो टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर के कारण उनके पास क्या आता है, सरप्लस पैसा आ जाता है। अब वो पैसा क्या करती है, गवर्नमेंट री इन्वेस्टमेंट कर लेती है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, सॉल्यूशन एक गवर्नमेंट को मिल गया। तो गवर्नमेंट के पास प्राइवेट के कारण क्या आने लग गया, सरप्लस पैसा आने लग गया, वो जिसके कारण से वो क्या करने लगे, री इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो एक तरीके से प्रॉब्लम अच्छी हो गई। तो ये क्या हुआ, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। अब सेकेंड चीज़ है टेक्नोलॉजी अपसेट। देखो ये दोनों अपने से एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते, तो देख रहे हो एक दूसरे को देख देख कर ये दोनों अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो वो एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमें हो गया। अब ये एलपीजी के कारण क्यों, देखो अगर हमारे पास एलपीजी पॉलिसी नहीं होता तो हमारी हमारी कंट्री में मान लो सिर्फ स्नैपडील होता। अभी स्नैपडील बाहर की कंट्री से कॉन्टैक्ट ही नहीं रखता, तो इसको पता क्या चलता उसके बारे में, तो कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। तो ना ये प्रॉफिट अच्छा कमा पाता, ना अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छी कर पाता, तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन जैसे एलपीजी पॉलिसी आ गई, तो एक हर कंट्री एक दूसरे में अपना काम करना चालू कर दी, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना चालू कर दी, एक दूसरे को देखना चालू कर दी। तो उससे क्या हो गया, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करके एक गवर्नमेंट को भी फायदा हो गया, और एक तरीके से टेक्नोलॉजी भी अच्छी होने लगी। अब यहाँ पे बच्चों टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट का मतलब है टेक्नोलॉजी पुराना होना, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पुराना होना, ठीक है। तो ये एलपीजी के पहले क्या होता था, हमारे पास टेक्नोलॉजी जो हुआ करती थी बहुत पुरानी हुआ करती थी, लेकिन जैसे एलपीजी पॉलिसी आ गई तो नई नई टेक्नोलॉजी अपने आप आने लग गई। अब देखो अब क्या होने लगा, देखो रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। रिकॉग्निशन मतलब बच्चों रिकॉग्नाइज करना, कुछ भी चीज़ को देखना, ठीक है। आज अगर मैं आपको बोलूँ, आज आप कुछ भी चार्ट देख लो, ठीक है, तो इंडिया को भी ना एज एन पावरफुल कंपनी में, पावरफुल कंट्री में शामिल किया जाता है। क्यों शामिल किया जाता है, क्योंकि इंडिया जो कंट्री है ना, उसका जीडीपी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण उनके यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसी के कारण इंडिया एक तरीके से पावरफुल कंट्रीज में भी, टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज में भी शामिल हो जाती है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा फायदा हुआ, और ये फायदा तभी हुआ एलपीजी के कारण, ठीक है। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया आज टॉप 10 कंट्रीज में भी शामिल होता है। और आप सभी को पता है, जब एलपीजी पॉलिसी नहीं हुआ करती थी तो इंडिया की सिचुएशन बहुत बेकार हुआ करती थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना है। अब 9th पॉइंट है, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब देखो सबसे पहले तो आप ये मतलब जाना, मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मोनोपोली का मतलब होता है एक ही बंदा जो सामान बेचता है, सिंगल सेलर मतलब एक ही बंदा जो सामान बेचता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना सामान बेचते हैं। देखो एलपीजी पॉलिसी के पहले क्या था बच्चों, मोनोपोली मार्केट हुआ करता था, ठीक है। मतलब बिफोर एलपीजी मतलब 1991 के पहले क्या हुआ करता था, मोनोपोली मार्केट हुआ करता था, जहाँ पे क्या होते थे, सिंगल सेलर होते थे। मतलब अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँ, सो टूथपेस्ट का लेते हैं। देखो पहले अगर सपोज करना पेप्सोडेंट, अगर 1991 के पहले अगर पेप्सोडेंट था, ठीक है, तो पेप्सोडेंट में होता क्या था, जो भी सेलर है वो आपको बोल देता था, देख भाई मैं तुझे पेप्सोडेंट दूंगा लेकिन तुझे महंगा दूंगा। मान लो कि ये पेप्सोडेंट की एक्चुअल में प्राइस थी 100 रुपीज़, लेकिन क्या होता था, कोई कोई बंदा इसे 500 रुपीज़ में बेचता था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको महंगी दी जाती थी, और कंपनी जैसा कह देती थी, कंपनी आप कस्टमर्स को ऐसा कह देती थी कि देखो भाई अगर तुम्हें पेप्सोडेंट लेना है तो इतना रुपया दे दो, नहीं ले सकते तो चुपचाप तुम चले जाओ, ठीक है। तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाती थी सिंगल सेलर में, ठीक है। तो ये जो सिंगल सेलर होता था ना, इसको पता था कि भाई मार्केट में तो सिर्फ मैं ही हूँ और कोई तो है नहीं, तो इसको क्या था, अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो यही एक तरीके की प्रॉब्लम थी। लेकिन होने क्या लगा, एलपीजी मतलब आफ्टर एलपीजी पॉलिसी 1991 मतलब 1991 में जो पॉलिसी आई एलपीजी वाली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर क्या हो गया बच्चों, मार्केट क्या हो गया, मोनोपोली से शिफ्ट हो गया, मोनोपोली से शिफ्ट हो गया कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अब यहाँ पे क्या होने लगा बच्चों, सामान बहुत सारे बेचने वाले हैं। अब यहाँ पे टूथपेस्ट बबुल भी बेच रहा है, पतंजलि भी बेच रहा है, कोलगेट भी बेच रहा है, पेप्सोडेंट भी बेच रहा है,
ठीक है। तब होता क्या था, अगर मान लो कि पेप्सोडेंट क्या करता था, एकदम अच्छी क्वालिटी का सामान बेचता था कम प्राइस में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता था, इस जितने भी कस्टमर्स थे वो क्या करते थे, पेप्सोडेंट का सामान लेते थे। अब जैसे बाकी एक कंपनी, बाकी टूथपेस्ट को पता चल गया कि भाई पेप्सोडेंट तो क्या कर रहा है, अच्छी क्वालिटी में और सस्ते में क्या कर रहा है, लोगों को बेच रहा है। तो अब बाकी कंपनीज भी सोचती थी यार हम भी क्या करेंगे, और भी पेप्सोडेंट से भी अच्छी क्वालिटी का सामान बेचेंगे और कस्टमर्स को और कम प्राइस में बेचने का ट्राई करेंगे। तो इससे हो क्या जाता था, अल्टीमेटली क्या हो जाता था, कस्टमर्स को फायदा हो जाता था, ठीक है। क्योंकि ये आपस में कंपटीशन करते थे अपना सामान बेचने के लिए, क्या करते थे, सबसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते थे और सस्ता सामान जितना कम प्राइस में हो सके उतने में आपको बेचते थे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता था, कहीं ना कहीं हम कस्टमर्स को फायदा हो जाता था। हमें क्या मिल जा रहा था, एकदम अच्छी क्वालिटी का मिल जाता था और सस्ते प्राइस में मिल जाता था। आज भी आप देखोगे हर कंपनी क्या करती है, आप कस्टमर्स को अपना सामान बिछवाने के लिए वो क्या करती है, हमेशा सबसे अच्छी क्वालिटी लाने की कोशिश करती है और आपको सस्ते में से सस्ता देने की ट्राई करती है। तो वही चीज़ है, और इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को हम कॉम्पिटिटिव प्राइस कहते हैं। मतलब हर कंपनी अपने अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से अपना अपना प्राइस डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो ये वाला सिस्टम सबसे अच्छा था, ठीक है। क्योंकि पहले ही हुआ क्या करता था, जो सिंगल सेलर था वो अपनी मनमानी करता था, लो अगर तुझे चाहिए तो इतने प्राइस में देना पड़ेगा, नहीं लेना है तो चुपचाप भग जा, वो वाला सिचुएशन हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको पेप्सोडेंट वाला पेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या कर सकते हो, पतंजलि का ले सकते हो। पतंजलि अच्छा नहीं लग रहा तो आप बबूल ले सकते हो, आपकी मर्जी रहती है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा हो गया। तो मैंने अभी आपके साथ फायदे जो डिस्कस किए, वो मैंने पूरे 9 फायदे डिस्कस किए, तो आप इसे होपफुली नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब मैं डीमेरिट्स की बात करता हूँ, मतलब एलपीजी पॉलिसी आने से हमें क्या घाटा हुआ। अब देखो सबसे पहला घाटा हमें ये हुआ, निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है हम एग्रीकल्चर को क्या करने लगे, इग्नोर करने लगे। देखो सबसे पहले तो अभी मैं आपको जीडीपी का मतलब बताता हूँ अच्छे से। देखो जीडीपी मतलब बच्चों, जो भी जीडीपी मतलब होता क्या है, जीडीपी ना 3 कैटेगरियों में डिवाइड रहता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आते हैं, इंडस्ट्रीज आते हैं, तो ये सारी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। टर्शरी सेक्टर के आते हैं बैंक, इंश्योरेंस, आईटी इंडस्ट्रीज, तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। तो बच्चों जब ये प्राइमरी सेक्टर से जितना भी पैसा आता है, वैसे सेकेंडरी सेक्टर से जितना भी पैसा आता है, वैसे ट्रेजरी सेक्टर से जितना भी पैसा आता है ना, तो जब हम इन तीनों पैसे को जब ऐड करते हैं तो हमें जो टोटल पैसा मिलता है उस टोटल पैसे को हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो ये था, आपको समझना था जीडीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखना, अब होता क्या था बच्चों, जैसी पॉलिसी आई, एलपीजी पॉलिसी आई, तो उसके बाद होने क्या लगा, हम एग्रीकल्चर को क्या करने लगे, इग्नोर करने लगे। निग्लेक्ट का मतलब है इग्नोर करने लगे। अब इससे क्या होने लगा, जो फार्मर्स काम करते थे एग्रीकल्चर में, उन्हें क्या करना पड़ा, पॉवर्टी फेस करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो एग्रीकल्चर को इग्नोर करती थी और उन्हें ज़्यादा पैसा देती नहीं थी, एग्रीकल्चर में पैसा नहीं लगाती थी। इसके कारण फार्मर्स को क्या करना पड़ा, पॉवर्टी फेस करना पड़ा। अब इसे कहीं ना कहीं क्या होने लगा, इंडस्ट्रीज में भी प्रॉब्लम्स होने लगी। इंडस्ट्रीज में होने क्या लग गया, सबसे पहले तो जानो इंडस्ट्रीज करती क्या, इंडस्ट्रीज क्या करती है बच्चों, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। जैसे रॉ मटेरियल में हो गया कॉटन, कॉटन को वो क्या कर देगी, कॉटन क्लोथ्स में कन्वर्ट करके इसे मार्केट में बेच देगी। वैसे ही वुड, लकड़ी, लकड़ी क्या है, रॉ मटेरियल है, तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, लकड़ी की हेल्प से वो चेयर बना देगी, फर्नीचर बना देगी और उसे मार्केट में कन्वर्ट कर देगी। तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। लेकिन रॉ मटेरियल आता कहाँ है, रॉ मटेरियल बेसिकली आता कहाँ से, रॉ मटेरियल आता है एग्रीकल्चर से। कॉटन आता है एग्रीकल्चर से, वुड आता है एग्रीकल्चर से, जिसे आप रिफॉरेस्टेशन करके आप वुड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्रीकल्चर से आता था, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एग्रीकल्चर को तो इग्नोर कर रही थी। तो एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इसके साथ ही साथ बेचारा इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो बेचारे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा और वो अपना काम कैसे करेंगी, ठीक है। तो एक तरीके से दोनों को ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने लग गया है एलपीजी पॉलिसी के कारण। सेकेंड पॉइंट है अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ग्रोथ प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या, देखो अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस का मतलब, सबसे पहले तो जानो अर्बन एरियाज का मतलब क्या होता है। देखो अर्बन एरियाज का मतलब ये होता है बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी सिटीज, ठीक है। मतलब जैसे ऐसी एरियाज जहाँ पे पानी उपलब्ध है, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है, ठीक है, अवेलेबल है,
ठीक है, अच्छे लेबर्स अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, तो वैसे एरियाज को बच्चों अर्बन एरियाज कहते हैं, जैसे शहर हो गया, सिटीज, यही सारी चीजें। लेकिन रूरल एरियाज क्या होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, वाटर सप्लाई 24/7 नहीं होता, ठीक है, और वहाँ पे अनस्किल्ड लेबर्स रहते हैं, तो ऐसी एरियाज को कहते हैं रूरल एरिया, जैसे गांव, ठीक है, टाउन, छोटा टाउन, स्मॉल टाउन, वो सारी चीजें। तो होने क्या लग गया, जैसे एलपीजी पॉलिसी आई ना, तो उसे क्या लग गया, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी जिसे कहते हैं, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो क्या करती थी, हमेशा इन्वेस्ट करती थी अर्बन एरियाज में, क्योंकि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज या इंडस्ट्रीज को फायदा क्या होता था अर्बन एरियाज में, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती थी हमेशा, वाटर का सप्लाई हमेशा मिलता था, अच्छे लेबर्स मिलते थे काम करने के लिए, तो सबसे, तो जितनी भी बड़ी कंपनीज ना इन्वेस्ट करती थी हमेशा अर्बन एरियाज में, ठीक है, तो अर्बन एरियाज के जो पीपल थे ना वो हमेशा रिच होते जाते थे, ठीक है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी ना वो इन्वेस्ट नहीं करते थे, इन्वेस्ट नहीं करते थे रूरल एरियाज में, जिसके कारण क्या होने लग गया, यहाँ के पीपल को काम नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता था, बेचारे यहाँ के पीपल क्या होने लगे, पुअर होने लग गए। तो हमेशा हर इंडस्ट्रीज क्या करती थी, इन्वेस्ट करती थी अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में इन्वेस्ट नहीं करती थी, तो रिच यहाँ पे क्या होने लग गया, और रिच होने लग गया, पुअर क्या होने लग गया, और पुअर होने लग गया, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, जो एक तरीके से प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। तो ये एलपीजी के कारण ये प्रॉब्लम आने लगी। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक कोलोनाइज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अब बच्चों इसका मतलब समझो, इसका मतलब आप सभी में से समझो, देखो ये है बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, बाहर की कंपनीज होती है, ठीक है, हमारी कंट्री की बाहर, हमारी कंट्री की मतलब हमारी कंट्री से बाहर की कंट्रीज की कंपनीज होती है, ठीक है, और इंडियन इंडस्ट्रीज ये वाली है। तो होता क्या था, जैसे एलपीजी पॉलिसी आई तो बाहर की कंट्री ज्यादा ग्रोथ करने लगी और हम इंडियन इंडस्ट्रीज कम ग्रोथ करने लगी, ऐसा क्यों, देखो इंडियन मार्केट में ना मल्टीनेशनल कंपनी आना चालू कर दी और इंडियन इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन जो भी इंडियन पीपल थे ना वो क्या करने लगे, बाहर की इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को, बाहर की कंट्री के इंडस्ट्री मतलब बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को, बाहर की कंपनीज के प्रोडक्ट को ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगे, ठीक है, वो बाहर की कंट्री के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे उसमें, तो इंडियंस क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंट्रीज का सामान खरीदते थे, तो इनको फायदा होता था, जिससे इनकी कंपनीज क्या करती थी, ग्रोथ करती थी। लेकिन जो भी इंडियंस थे ना वो इंडियन इंडस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाने लगे, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट दिखाने लगे, जिसके कारण होने क्या लगे, इंडियन इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा घाटा होने लग गया, तो ये क्या होने लगा, एक तरीके का प्रॉब्लम होने लगा, तो ये एलपीजी के कारण एक घाटा होने लगा। में फोर्थ पॉइंट है लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। देखो सबसे पहले तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप एक चीज जानना, प्राइमरी सेक्टर जब ग्रो नहीं करता, सेकेंडरी सेक्टर जब ग्रोथ करता है लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ करता है, और जब टर्शियरी सेक्टर ग्रो करता है बहुत ज्यादा, तो बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं लॉपसाइडेड जीडीपी ग्रोथ, और ये हर कंट्री के लिए बेकार बैड सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन जिस कंट्री में प्राइमरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, तीनों सेक्टर मिलकर आपस में ग्रो कर रहे हैं, उस उन 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 कंट्री का जो जीडीपी होता है ना उसे हम क्या कहलाते हैं, इंक्लूसिव जीडीपी ग्रोथ, जो हर कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। जैसे हो गया जापान या फिर अमेरिका, यहाँ पे तीनों सेक्टर क्या करते हैं, आपस में एक साथ ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है। लेकिन इंडिया में एक्चुअल में हो क्या रहा था, इंडिया में भी जीडीपी ग्रोथ तो हो रही थी, जीडीपी ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर में ग्रोथ कम थी, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ग्रो करते थे, ठीक है। तो ये तरीके का फायदा, एक तरीके का घाटा होता था इंडिया को सबसे बड़ा, ग्रोथ तो करती थी लेकिन एग्रीकल्चर इसमें ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता था, ठीक है। तो इंडिया की जो भी इकोनॉमी थी वो लॉप साइडेड जीडीपी ग्रोथ थी, जो एक कंट्री के लिए बहुत बेकार सिचुएशन है। अब होता क्या था, जितने भी इंडियन फार्मर्स थे, ठीक है, उनको तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी ज्यादा एग्रीकल्चर में, तो फार्मर्स क्या करते थे, अपने लैंड में ना जितने भी क्रॉप थे ना उनको उगाते थे, और बाहर की फॉरेन कंट्रीज में अपना सामान सेल कर देते थे, बेच देते थे, और उनसे क्या होता था, उनको इंडिया के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा बाहर की कंट्रीज से आता था, ठीक है। तो एक तरीके से फार्मर्स भी क्या होने लगे, अब उन लोग भी क्या करने लगे, पैसा कमाने लगे, बाहर की कंट्री को सामान बेचने लगे, फूड जैसे आइटम्स, ठीक है, जो इंडिया में भी जरूरत था लेकिन वो बाहर की कंट्रीज को बेचते थे, तो एक तरीके से ये भी एक तरीके का घाटा होने लगा। तो ये एलपीजी पॉलिसी के कारण एक तरीके का हमें घाटा होने लगा। अब बच्चों और एक फिफ्थ पॉइंट हमें आता है कल्चरल इरोजन करके, ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। कल्चरल इरोजन इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना इसका मतलब बहुत इजी है। हम इंडियंस होने क्या लगे, हम अपना कल्चर भूलने लग गए, हम अपनी सोसाइटी को
जो हमारे ट्रेडिशनल जो हम सिस्टम फॉलो करते थे वो हम फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। जैसे बाहर की कंट्रीज में जैसे बाहर की कंट्रीज में जो सिस्टम फॉलो हुआ करता था वो हम फॉलो करने लगे, ठीक है। तो हम अपना कल्चर क्या करने लगे, भूलने लगे, और बाहर की कंट्रीज का जो कल्चर था वो हम अपनाने लगे, ठीक है। तो ये एलपीजी पॉलिसी के कारण, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी के कारण होने क्या लगे, बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट आए, बाहर की कंट्री के लोग भी आना चालू करे, इन्वेस्टर भी चालू आने आना चालू कर दिए। तो हम क्या करने लगे, उनका कल्चर देख के हम उनका कल्चर अपनाने लगे और अपना कल्चर छोड़ने लगे। तो कल्चर इरोशन का मतलब यही है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा घाटा है। तो आप क्या कर लो, डीमेरिट्स भी नोट कर लो, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों हम ये जो चैप्टर होता है ना खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर से पॉवर्टी चैप्टर करेंगे, और आप सभी को इन सारी चैप्टर्स की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। नहीं मिलेगी तो आप मेरे चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको सारी चैप्टर की सारी वीडियोस अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है, पार्ट वाइज। चलो बच्चों, होपफुली मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वेबसाइट का एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं। सो ये जो वेबसाइट है ये बिजनेस विद्या है, लेकिन जो बिजनेस विद्या है वो ऑपरेट करती है बींग कॉमर्स के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले तो बींग कॉमर्स आप देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, कॉमर्स कम्युनिटी है। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम में हमारे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गए हैं, ठीक है। अभी 64,000 तक पहुँच गए हैं। आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम इस बटन को क्लिक करके। आपके जैसे बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे सारे हमारे फॉलोअर्स हैं। सेम चीज़ आप देख सकते हो यूट्यूब में, इतने फॉलोअर्स है 12,000 अराउंड। आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब में भी, और हमारे फेसबुक में 1 लाख फॉलोअर्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ 100,000 फॉलोअर्स है। ये भी सारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जैसे आप हो, आप हमें यहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी है, कॉमर्स की कम्युनिटी, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको मीम्स मिलेंगे, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग कॉमर्स, प्लस आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी करियर के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एंड मेक मनी के बारे में, ठीक है। सो प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कीजिए हमारी कम्युनिटी को, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये वेबसाइट को ऑपरेट कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो होम है, पोस्ट है, केस स्टडी है, डाउनलोड है, और कॉन्टैक्ट अस है। तो पोस्ट में क्या है, अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ की कोई भी नोट्स को पढ़ना है, फॉर एग्जांपल क्लास 11th आप में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के पूरे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। देख रहे हो बस, फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल बिजनेस पढ़ना है तो कंटिन्यू रीडिंग में क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे पूरा स्मॉल बिजनेस के बारे में सारी चीज़ पढ़ सकती हो। सिमिलरली अगर आप पोस्ट में वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12th का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ की सारी क्लास 12 के नोट्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं केस स्टडीज़ की। सो दोस्तों, केस स्टडी में क्या है, यहाँ पे हमने आपको लिंक प्रोवाइड करके दिया है, ठीक है, सिर्फ क्लास 12 के लिए हमने प्रोवाइड करके दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर में क्लिक करोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस एनवायरमेंट में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बिजनेस एनवायरमेंट का एक पूरा PDF मिलेगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने केस स्टडीज़ प्रोवाइड करके दिए हैं जिसके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग में, तो कंट्रोलिंग का केस स्टडी खुल जाएगा, आप सबको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों केस स्टडी के बारे में। अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, आप डाउनलोड्स में क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11th की हमने इंग्लिश की हॉर्नबिल प्रोवाइड करके दी। अगर आपको क्लास 11th की इंग्लिश की नोट्स पढ़ना हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ना हो, तो आप यहाँ से हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके आप वापस एक PDF को डाउनलोड कर सकते हो और आप सारे क्वेश्चन आंसर नोट्स सारे इस PDF के अंदर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास 11th का फॉर एग्जाम्पल स्नैपशॉट खोलता हूँ इस तरीके से, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपको हर PDF का एक पासवर्ड मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है दिस बुक विल आस्क फॉर पासवर्ड। सो आपको अगर इस फोन बिल और स्नैपशॉट खोलना है तो उसके लिए आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई एम बींग कॉमर्स फॉलोअर। सिमिलरली अगर आपको क्लास 12 का करना है तो आपको फिर से आई एम बींग कॉमर्स फॉलोअर पासवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है या माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई लव बींग कॉमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पासवर्ड यूज़ करके इस PDF को खोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्नैपशॉट में क्लिक करूँ, डाउनलोड क्लिक हियर में, सो दोस्तों आप देख सकते हो ये है पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो इस पासवर्ड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया अगर आपने स्नैपशॉट खोला है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ये पूरा, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करना है पासवर्ड को और एज इट इज़ पेस्ट करना है, ठीक है, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा,
या आप मैनुअली इसे जाके लिख सकते हो आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोअर्स, बट मेक श्योर दैट सारी चीज कैपिटल लेटर में, ठीक है। फिर इसको सबमिट करना। फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पीडीएफ जो किया है ओपन हो गया है। अब आप इसको पढ़ सकते हो, वापस इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा कि डाउनलोड सेक्शन में आप काफी सारी चीज को डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको पढ़ के प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और पासवर्ड का सही से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम होती है, वो कभी कभी जब पासवर्ड डालते हैं तो कुछ लेटर्स को स्मॉल कर देते हैं, कुछ को बिग, बट मेक श्योर दैट सब चीज़ कैपिटल लेटर में आपको पासवर्ड लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कॉन्टेक्ट अस में जाना है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन है और यहाँ पे आप ईमेल, अगर आप व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे ऐसे तो आप मोबाइल में करेंगे तो डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, अदरवाइज आप लैपटॉप से भी अपने वेब के थ्रू व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है ईमेल अस का, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है और उसका डिस्क्रिप्शन आप पूरा यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कीजिएगा, इमेजेस हमें शेयर कीजिएगा कि हमको ईजी पड़े। आप जितना ज़्यादा अच्छे से हमको अपनी तकलीफ बताएंगे उतना अच्छे से हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल को सेंड कर देना है, ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आते हैं और हम काम करने वाले काफ़ी कम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी एक हफ्ता लग जाए आपका रिप्लाई करते करते, 2 हफ्ता लग जाए, ठीक है, क्योंकि हमारी भी एक प्रॉब्लम है, हम बहुत लिमिटेड स्टाफ से आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हाइपर मत होइएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे लेकिन टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी मेरे को आपको बतानी थी, अगर आप अगेन होम में क्लिक करोगे तो आप अगेन होम के यहाँ पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी मैंने सारी आपको बता दी। आप डायरेक्ट यहाँ क्लास 11th में भी क्लिक करेंगे या क्लास 12th में, फॉर एग्जांपल आपने क्लास 12th में क्लिक किया तो यहाँ से भी आप सब चीज़ देख सकते हो। अगर आपको केस स्टडी में जाना है तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे केस स्टडी में पहुँच जाओगे, यही वाले लिंक में वापस से डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो यहाँ नोट्स में क्लिक करोगे आपको वापस क्लास 12 के नोट्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे इंग्लिश का बुक मिल जाएंगे फ्लेमिंगो विस्टा, इसको आप क्लिक करोगे और पासवर्ड करोगे तो पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया इंग्लिश के। सेम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी वही चीज़ मिलेगी। अगर आप वापस से लोगों में क्लिक करोगे तो होम पेज में पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट समरी है, यहाँ से भी आप अपनी डायरेक्ट क्लास सिलेक्ट करके आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। और यहाँ पे है वॉच वीडियो ट्यूटोरियल्स, तो अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहुँच जाओगे। यहाँ पे हमने इतनी सारी प्लेलिस्ट बनाई है आप सबके लिए, आपकी जो भी प्लेलिस्ट है आप सर्च कीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी यहाँ नेचर है, फिर सोर्सेस और बिजनेस फाइनेंस है, क्लास 12 की भी प्लेलिस्ट है, प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की, तो सारी चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगी। बस हमारे चैनल के बीइंग कॉमर्स में सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में आइएगा, सारी वीडियोस यहाँ पे, और मैं कह सकता हूँ आप सारी प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए और जो भी आपको पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ के उसका पूरा एक वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे, फिर यहाँ से वही नोट्स के, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस नोट्स के एरिया में पहुँच जाओगे। ई बुक्स को डाउनलोड करना अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस से यही डाउनलोड सेक्शन में पहुँच जाओगे, ठीक है। केस स्टडी पढ़ना है अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस केस स्टडी के सेक्शन में पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको क्लास 12 की केस स्टडी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों एक लास्ट चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग वाली, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। अगर आप चाहते हो आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करना, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या फिर आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो ऑनलाइन, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो में क्लिक करके पढ़ सकते हो और यहाँ पे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी आप ज़रूर एक बार डिजिटल मार्केटिंग में भी फोकस कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो बहुत और भी अच्छा है, ठीक है, ज़रूर से देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। अब अगर कभी आपको वापस से हमारी इस वेबसाइट में विजिट करना है तो आपको बस सिंपली क्या सर्च करना है, बिजनेस विद्या आपको सर्च करना है गूगल में और बस आपको एंटर कर देना है, तो आप इस वेबसाइट में वापस पहुंच जाओगे। आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट है आपको यहाँ क्लिक करना है, आप अगेन हमारी इस वेबसाइट में आ जाओगे। तो ये जो चीज़ थी फ्रेंड्स मुझे आपको बतानी थी, होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें।